चलिए बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। हमने जो चीज़ें कवर की थी लास्ट लेक्चर में, अगर उसमें कोई आपका शक व शुबा है, कोई डाउट पढ़ने के बाद। सब ठीक है, ऑल फाइन। नहीं वो तुम्हारा एक दफा तो फिर पूरा लेक्चर रिपीट करना पड़ेगा। जो डाउट है वो बताओ। इफ नो डाउट देन वी मूव फॉरवर्ड। ठीक है जी, चलिए लेट्स मूव टुवर्ड्स दी। इनफैक्ट मेरा एम अब इस सारे जो हम कवर करेंगे, इससे एम ये है कि किस तरीके से हम जो है वो ए प्रायरी और ए पोस्टियरी प्रोबेबिलिटीज को यूज करते हैं फॉर अ कम्युनिकेशन सिस्टम, राइट। बट टू रीच टू दैट लेवल वी नीड टू नो व्हाट इज कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, व्हाट इज टोटल प्रोबेबिलिटी, व्हाट इज बेस थ्योरम एंड हाउ इट इज अप्लाइड इन इन वेरियस डोमेन्स, राइट। सो लेट्स फर्स्ट सी व्हाट कंडीशनल प्रोबेबिलिटी इज एंड हाउ इट इज अप्लाइड। सो एज पर द डेफिनेशन, इफ यू हैव टू इवेंट्स, event A and B which belongs to some field or some event space, then the conditional probability of A given B or B given A can be written. Like I have written over here, for example, ye ek event A hai aur ek event B hai. They may overlap, there may be certain things which are common in both the events, right? And there is possibility there is nothing common. We'll see that as well. But at the moment, we are considering more common case कि दो ऐसी चीजें हो रही हैं जिसमें आपस में कोई relationship है. So based on that, if you write down the probability of A given B as here, it is written as probability of A intersection B divided by probability of B. और अगर ये opposite words में इस तरीके से है कि probability of B given A निकालनी है, so again numerator is the same but the denominator is the one which is there, which is in the denominator in the given probability as well. So agar idhar a hai to idhar a hai, idhar b hai to idhar b hai, provided yahan par jo condition ya isko calculate karne ka ki jo ek shart hai wo ye hai ki aapki jo denominator ki value hai wo zero nahi honi chahiye, otherwise it will be indefinite, cannot be computed. So there could be various examples for this particular phenomena ki how it is applicable. Like hum ye kehte hain ki ji abhi is waqt ke halaat ko dekhte hue, bahar mausam dekhte hue, probability of rain is zero. Why? Because is waqt bahar jo hai wo daylight is too prominent. So based on daylight we are predicting the probability of rain being zero. बट से अगर आप सुबह सो के उठे हो, मैं आपको बाहर मौसम ना देखने दूं और आपसे सवाल करूंगा जी क्या प्रोबेबिलिटी कि आज बारिश होगी, तो आपके दिमाग में एक फिक्स फिगर आनी चाहिए, ये आएगी कि जी 50% चांसेस, बिकॉज़ आई डू नॉट नो व्हाट इज द वेदर आउटसाइड, इट मे बी देयर, इट मे नॉट बी देयर, राइट। सो बट बेस्ड ऑन सम अवेलेबल डाटा आपकी जो प्रिडिक्शन क्वालिटी है या प्रिडिक्शन की जो एक्यूरेसी है वो इम्प्रूव हो जाती है, और हेयर कम्स द कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, राइट। सिमिलरली अगर आप बाहर देख रहे हैं कि जी बारिश हो रही है और आपसे कोई क्वेश्चन करे जी कि बाहर बारिश हो रही है, आपने देख भी ली और बारिश अब क्या चांसेस है कि दो घंटे बाद भी बारिश हो रही होगी, तो आप कहेंगे जी कि मे बी 90% चांसेस हैं कि बारिश होती रहेगी,
अगेन दिस इज द सिमिलर थिंग विच इनफैक्ट टेल्स अस कि अगर हम कुछ एग्जिस्टिंग सिचुएशन देख लें तो किसी आने वाले इवेंट के बारे में ज्यादा क्वालिटी प्रेडिक्शन कर सकते हैं. सो दिस इज इनफैक्ट एप्लीकेबल ओवर देयर. सो अगर इसके हम कुछ स्पेशल केसेस देखेंगे जो विच आर यूजफुल वंस वी गो फॉरवर्ड. सो द फर्स्ट स्पेशल केस फॉर टू इवेंट्स ए एंड बी इज इफ ए इंटरसेक्शन बी इज अ नल सेट. इट मीन्स बोथ आर नॉट हैविंग एनीथिंग कॉमन. अगर ये ए है तो ये बी है, डिसजॉइंट है, दोनों के अंदर कोई चीज कॉमन नहीं है, यानी इंटरसेक्शन बी जो है वो नल सेट हो. तो उस केस के अंदर अगर प्रोबेबिलिटी निकाली जाए ए बाय बी की, राइट, इसको हम ये भी कहते हैं कि दिस इज म्यूचुअली एक्सक्लूसिव. डिसजॉइंट सेट्स आर आल्सो कॉल्ड म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इन द लैंग्वेज ऑफ मैथमेटिक्स. सो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव सेट्स जब होंगे तो उस केस में चूंकि ये दोनों एक दूसरे पे कोई ताल्लुक ही नहीं है, तो इसमें जो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन बी होगी वो जीरो होगी, बिकॉज न्यूमरेटर के अंदर वैल्यू जो है वो आपकी जीरो आ रही है. इफ दिस इज जीरो, द प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन बी इज जीरो, बिकॉज इट डज नॉट डिपेंड अपॉन दैट पर्टिकुलर थिंग. कोई चीज इसमें आपस में सेम नहीं है, डिसजॉइंट है ये. सो अकॉर्डिंगली एज पर मैथमेटिक्स दिस इज जीरो. ऑन द अदर हैंड अगर हमारे पास एक सेट जो है वो दूसरे सेट का सबसेट है, यानी दिस बी सेट इज विद एन ए, लाइक समथिंग shown here, this is a A, this is A set and B is within that A. So, इस केस के अंदर the probability of A given B should be 1. Why? Because A intersection B is nothing but probability of B. So, both will get cancelled and the answer comes out to be 1. ठीक है? Sorry? पहला केस ये है कि अगर आपके पास ये दोनों disjoint sets हैं, तो जब डिसजॉइंट सेट्स होते हैं तो उस सूरत में अगर आपसे कहा जाए कि जी इसको कैलकुलेट करेंगे ए बाई बी क्या है, तो एज पर मैथमेटिक्स दिस ए बाई बी इज ए इंटरसेक्शन बी बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ बी. तो चूंकि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी जो है वो जीरो है, क्योंकि इनमें कोई चीज कॉमन नहीं है, जब कॉमन नहीं है तो उस इवेंट स्पेस में कुछ है ही नहीं, तो उसकी प्रॉबिलिटी ही नहीं है, जीरो है, क्योंकि कॉमन ही कुछ नहीं है, तो इनफैक्ट न्यूमरेटर जीरो आ गया तो आंसर जीरो आ गया. सेकेंड केस के अंदर अलबत्ता इट इज गॉट 100% प्रॉबिलिटी, क्योंकि वो उसी इवेंट स्पेस के अंदर हो रहा है. ठीक है, ये बिल्कुल इस तरह से है कि बारिश हो रही है और आप कह रही बारिश हो रही है और फर्दर भी होती रहेगी, तो आप उसी के अंदर उसी स्पेस के अंदर बात कर रहे हैं, 100% चांसेस है कि बारिश होती रहेगी. देयर कुड बी मेनी अदर एग्जांपल्स एज वेल, वंस वी गो इनटू द एग्जांपल्स वी विल सी दैट. सिमिलरली थर्ड स्पेशल केस कुड बी कि अगर आपके पास ऑपोजिट केस है और से ए इज अ सबसेट ऑफ बी, सो इस केस के अंदर थोड़ा सा वेरिएशन आएगी. Because you are, देखिए फर्क है यहाँ पे, अगर तो मैं कंप्यूट करूँ ना प्रोबेबिलिटी ऑफ बी गिवन ए, तो वो इस केस में भी, इस वाले केस में भी वो इक्वल टू वन हो जाएगी. बट नाउ वी आर टॉकिंग लिटिल डिफरेंटली, हम ये कह रहे हैं कि जी ए बी का सबसेट है और अब आप निकालिए कि क्या प्रोबेबिलिटी है. तो इस केस में अगर मैं इसमें वही मैथमेटिकल इक्वेशन प्लग इन करूँ, इंटरसेक्शन बी बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, तो जो इसका आंसर है बिकॉज ए बी के अंदर है, ये वाला केस है. ठीक है, दिस इज ए एंड दिस इज बी, तो ए इंटरसेक्शन बी क्या आएगा, ए आएगा ना, ऐसे ही है, जीरो क्यों आएगा, वो इसे जीरो. देखो ये आपके पास लार्जर सेट है बी, ए उसका सबसेट है, दिस साइन इज यूज्ड टू डिनोट द सबसेट ऑफ समथिंग, सो ए इज लाइंग विद इन दैट लार्जर स्पेस. अब अगर मैं आपसे कहूं कि ए इंटरसेक्शन बी निकाले तो दैट आंसर इज ए, राइट, ऐसे ही है ना. That's why we have written probability of A given probability of B. तो इस केस के अंदर ये जो चीज है इसकी probability calculate करें, because probability of B would be dividing the probability of A and A is lying within B. So इस केस के अंदर जो आपके पास overall probability आएगी, ये वाला जो आंसर आएगा division के बाद, that has to be greater than probability of A. ठीक है, अंडरस्टैंडेबल, क्योंकि ये एग्जैक्ट कैलकुलेट आपने किस किया, किसको, आपने प्रोबेबिलिटी ऑफ ए निकाली है बेस्ड ऑन बी, और प्रोबेबिलिटी ऑफ ए भी एक निकल सकती थी प्योरली उस इवेंट की प्रोबेबिलिटी. जब उसको आप इस केस से कंप्यूट करेंगे तो द आंसर वुड बी ग्रेटर देन दैट प्रोबेबिलिटी, बिकॉज देयर इज अ फैक्टर व्हिच इज डिवाइडिंग इट
एंड दिस फैक्टर वुड बी लेसर देन वन, लेसर देन वन होगा ना, कुछ भी हो जाए प्रोबेबिलिटी पी कैन नॉट गो बियॉन्ड वन. सो आप जब भी किसी नंबर को डिवाइड करते हैं लेसर देन वन से तो आंसर गोज अप, बड़ा हो जाता है ना, क्योंकि ऊपर 10 मल्टीप्लाई हो जाता है. अकॉर्डिंगली दिस आंसर वुड बी ग्रेटर. अगेन इट वुड बी वेरीफाइड वंस वी डू द एग्जांपल्स. ओके, अनदर केस कुड बी ओके. नाउ इनफैक्ट हियर आई एम जस्ट ट्राइंग टू कंप्यूट के जो हमारे पास एक्सियम्स ऑफ प्रोबेबिलिटी है, तीन हमने एक्सियम्स देखे थे कि जी किसी भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी जो है वो नंबर वन एक्सियम है कि जी ओके दी प्रोबेबिलिटी ऑफ, अगर मैं कंडीशनल प्रोबेबिलिटी को अप्लाई करूं तो वी सॉ जी के जिस दिस थिंग इज अ सिंपल अ प्रोबेबिलिटी, इट शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, इट कैन नॉट बी नेगेटिव. ठीक है, सो ऑफ कोर्स इट इज यस, इट वाज, इट विल ऑलवेज बी लाइक दिस, बिकॉज ये जो आंसर आएगा इसको जब आप कंप्यूट करेंगे ए इंटरसेक्शन बी अप्लाई करेंगे और इसको जब यूज करेंगे तो आइदर ये जीरो आएगा. मैंने देखा भी है कि मैक्सिमम वन आया और मिनिमम जीरो आया, उसके दरमियान कोई वैल्यू हो सकती है. तो दिस इज वेरीफाइड कि ये एक्सियम इसको सेटिस्फाई करे. नंबर टू एक्सियम जो हम देखते रहे वो ये कि जो जो सैंपल स्पेस कंप्लीट होती है उसकी प्रोबेबिलिटी जो होती है से दिस इज वन. सो अगेन ये भी हमने थोड़ी देर पहले देखा, बिकॉज बी बेसिकली जो है आपके पास सबसेट है इस कंप्लीट सैंपल स्पेस का, तो जब इसको आप अप्लाई करेंगे तो अभी हमने स्पेशल केस नंबर टू देखा था, उसको अप्लाई करें तो दिस वुड बी वेरीफाइड, ये वन के बराबर होगा. ठीक है, और जो थर्ड प्रोबेबिलिटी है वो हमने देखा था कि इफ यू रिमेंबर हमने कहा था कि जब भी हम इंटरसेक्शन यूनियन लेते हैं ए यूनियन बी, इट शुड बी प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, इफ यू रिमेंबर. अगर उसको अप्लाई करें हम यहाँ पर, लाइक इफ यू टेक दी probability of A union C given B in the similar notions as we did for the first two special cases or first two axioms. So it should be equals to probability of A given B plus probability of C given B based on the same rule jo humne pehle distribute kiya tha. Right? So just to verify, let's just apply the expression and let's do some math to get to this conclusion. So if I write probability of A intersection B given B, hope this is visible. A union C given B, fine. So agar isko main math mein kholu using the expression, so it would be A union C intersection B as per the rule given by probability of B. Aisa hi hai. Ye cheez samajh aa gayi yahan tak? ये इसके बराबर होगी. दिस इज नथिंग बट अगर मैं इसको कह लूंगा जी दिस इज प्रोबेबिलिटी ऑफ डी गिवन बी, तो इट वुड बी डी इंटरसेक्शन बी बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, और डी जो है वो यूनियन सी के बराबर है, तो इट इज फाइन. ठीक है ना, जब बहुत ना जब फाइन. पीछे कौन बैठा है? अपना जमाल जमी, आपका नाम सॉरी क्या है? जावेद, सॉरी. ठीक है ये. सो बेस्ड ऑन दिस वी कैन फर्दर ओपन इट अप एज पर द जो हमने इफ यू रिमेंबर फ्रॉम अर्लियर नॉलेज दैट अगर एक एक्सप्रेशन इस तरह से लिखी जाए तो उसको हम इस तरीके से खोल सकते हैं. दिस इज बाय द रूल्स ऑफ यूनियन एंड इंटरसेक्शन. वी कैन मेक इट समथिंग लाइक दिस, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी इंटरसेक्शन बी. जो यहाँ पे दो चीजें होती हैं इनको आप बी के साथ सेपरेट करके लिख सकते हैं, यूनियन को बीच में रिप्लेस कर सकते हैं. देयर इज अ लॉ फॉर दिस. सो इफ यू डू दैट तो वी कैन से ओके जी ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी इंटरसेक्शन बी. ठीक है जी. वेयर एज दीज टू सेट्स ए इंटरसेक्शन बी जो आप लेंगे और सी इंटरसेक्शन बी जो लेंगे आप, वी आर एज्यूमिंग ए बी सी जो है एक दूसरे के ऊपर इस तरह से ओवरलैप नहीं कर रहे कि ए की सेट को हम कह दीजिए कि ये ए भी है और ये बी भी है और ये सी भी है. नहीं, बल्कि इट वुड बी समथिंग लाइक दिस. अगर ये ए है तो ये बी है तो ये सी है. तो जो ये वाला पोर्शन होगा ए इंटरसेक्शन बी का, ये बी इंटरसेक्शन सी के साथ मैच नहीं कर रहा होगा. It would be disjoint.
सो अगर ये दो डिसजॉइंट सेट्स हैं तो वहां पे जो हमारी डेफिनेशन थी इसको फर्दर डिवाइड करने की वो यही थी कि अगर ये डिसजॉइंट सेट है तो देन वी कैन डिवाइड इट लाइक दिस। इफ यू गो बैक टू द प्रीवियस लेक्चर्स जो हमने मे बी सेकंड लेक्चर था शायद उसमें हमने इस तरीके से इसको डिवाइड किया था। सो अल्टीमेटली दिस ए इंटरसेक्शन बी बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ बी वुड बी सेपरेटेड आउट फ्रॉम सी इंटरसेक्शन बी बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। सो दिस कैन बी रिटन लाइक दिस और दिस सर्कल दिस इज नथिंग बट प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन बी एंड द अदर वन इज प्रोबेबिलिटी ऑफ सी गिवन बी। सो अल्टीमेटली वी रीच टू दी थर्ड एक्सियम वेरिफिकेशन कि ये जो चीज है दिस इज करेक्ट। हम इसको तोड़ सकते हैं जब भी ए यूनियन कुछ भी चीज आएगी और उसमें कंडीशनल कोई मैटर आ रहा होगा तो वी कैन सेपरेट देम आउट। टू कट शॉर्ट अगर आपके पास यूनियंस आ रहे हैं न्यूमरेटर में और वो डिपेंडेंट है किसी इवेंट के ऊपर तो उसको आप इंडिविजुअल इवेंट्स में ब्रेकअप कर सकते हैं विद द प्लस साइन। थिंग्स गेट सिंप्लीफाइड एंड यू कैन सॉल्व इट आउट। उसको यहाँ पे वेरीफाई भी कर दिया। प्रूफ इज नॉट इम्पॉर्टेंट प्रूफ इज जस्ट फॉर द पर्पस यू शुड हैव दिस मेंटल सेटिस्फेक्शन कि दिस इज करेक्ट और अल्टीमेट एम इज दैट वी वुड लाइक टू यूज इट इन आर एप्लीकेशंस। इट इज समथिंग लाइक दिस कैन बी ओपन अप। ओके सो लेट्स टेक एन एग्जांपल नाउ। So we define an experiment, and this experiment is that we are rolling our die. So once you roll a die, the sample space would be either it would be one from one to six. Anything can appear, right? I define one event as composed of two values, one and two, and second as two, four, and six. Now, if I ask you, okay, what is the probability of A? So, by classical definitions, we know that it is nothing but the counting in A divided by the counting in the sample space. So, it would be 2 by 6 or 1 by 3. On the similar hands, if we go for probability of B, this event, that would be the counting in B, which is 3 divided by the counting in the sample space 6. Again, it is computable. We get the answer of You get the answer as 1 by 2. ठीक है जी। ये ऐसी कोई खास केस नहीं है। ये जस्ट डिफाइन कि एक इवेंट है उसमें दो वैल्यूज है। ठीक है? क्योंकि आप किसी भी एक सैंपल स्पेस में से इवेंट्स अपनी मर्जी के डिफाइन करते हैं। दिस इज इन योर हैंड्स। व्हेनेवर वी डू सम एक्सपेरिमेंट वी डिफाइन द रैंडमनेस बाय आवर ओन सेल्फ। इट्स आवर रियल लाइफ एग्जांपल। यू कुड टेक एनीथिंग। हम ऐसे कह सकते हैं जी ऐसा इवेंट डिफाइन किया है जिसमें वैल्यू दो या दो से कम है। लेट्स गेट दी आप खेल रहे हो फॉर एग्जांपल आप लूडो खेल रहे हो और आप कहते हैं प्रोबेबिलिटी निकालो यार कि जो जावेद है क्या प्रोबेबिलिटी के इसका जो जब ये डाई को रोल करता है तो आंसर जो है वो टू या टू से कम आता है। हो सकता है ना इवेंट तो पता चले जी 100% चांसेस यही है आते ही इसका वन और टू है। इससे ऊपर कोई नंबर आज तक लिया ही नहीं मतलब दिस कुड बी रियल लाइफ एग्जाम्पल। सो ये चीज इस तरीके से निकल सकती है। ओके नाउ इफ आई टेक द इंटरसेक्शन ऑफ दीज टू सेट्स देन द वैल्यू इज टू। दोनों में कॉमन जो है वो टू है सही है। सो अकॉर्डिंगली अगर इफ आई गो एंड कंप्यूट द प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी बेस्ड ऑन द सेम क्लासिकल अप्रोच देन इट वुड बी द काउंटिंग इन ए इंटरसेक्शन बी डिवाइडेड बाय काउंटिंग इन द सैंपल स्पेस। सो इट वुड बी 1 बाय 6। Is it right? So now if I go and compute the probability of A given B, क्या probability A की है कि अगर B आ रहा है, B event जो है वो available है, तो क्या probability होगी A की based on B? So by mathematical notations, this is probability of A intersection B divided by probability of B. ऐसा ही है। So we have already computed these two values. Probability of A intersection B is 1 by 6 and the probability of B is 1 by 2. So we divide it, we get the answer as 1 by 3. Right? So this was purely from the mathematical point of view. Right? इसमें कोई analytically कोई evaluation as such नहीं है, but we can do this. Similarly, if we go
And maybe if we okay, बल्कि उसको इधर ही करते हैं. Say this is on the other end, if we go and compute the probability of B given A, right? So by mathematics, this would be again numerator में same expression है, denominator में probability of A आ जाएगी. We can plug in the values 1/6 by 1/3 because this answer is 1/3, so it comes out to be 1/2. ठीक है जी. तो इसमें आई होप देर इज नो प्रॉब्लम, नो इश्यू. ओके, लेट्स जस्ट एक्सटेंड दिस आइडिया एंड गो फॉर द कंडीशनल प्रोबेबिलिटी एंड इट्स रिलेशन विद द टोटल प्रोबेबिलिटी. सो इफ यू सपोज दैट वी हैव सम इवेंट्स b1 b2 एंड इफ यू कंटिन्यू एंड गो टिल dn, दे आर दी एन म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स. बाय सेइंग म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स we say that if we sum them together or get their union, we get the sample space. इसकी example आप real life में इस तरह ले सकते हैं कि आपने तरबूज देखा हुआ watermelon. आप उसको उसको जब काशों में काटते हैं, ठीक है, तो हर काश में बीज होते हैं. सेफ आई से कि जी एक इवेंट, एक काश में जो बीज है वो b1 है, ये मेरे इवेंट्स हैं. दूसरी काश में जो बीज है वो b2 है, सेकेंड इवेंट है. अल्टीमेटली पूरे तरबूज को जब जोड़ा हुआ था तो वो एक सैंपल स्पेस थी, जब उसको ब्रेकअप कर लिया तो वो सारे के सारे में डिस्ट्रीब्यूटेड है, राइट. सो दिस इज द इफ आई टेल यू ओके व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ हैविंग सीड्स इन द वाटरमेलन, देन आई हैव टू गो फॉर द टोटल प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑल द काशेस, ऑल द पीसेस व्हिच आई हैव गॉट. ऐसे ही है, बस समझ आ रही है. लेकिन इंडिविजुअल के ऊपर भी कुछ काम किया जा सकता है. ये बेस्ड ऑन द स्टफ व्हिच इज देयर इनसाइड सिंगल पीस, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ दिस इज देयर, दिस इज अनदर स्टोरी. बट इफ आई टॉक ऑन द टोटल थिंग, देन आई हैव टू कंसीडर ऑल द पीसेस, राइट. सो अब उसके ऊपर हम आ रहे हैं. सो से दिस इज द कंडीशन के जो आपके पास सैंपल स्पेस है वो उन सबके यूनियन से बन रही है, यानी ये आपके पास, इसके अंदर अगर मैं पीसेस कर दूं, so I have B1, I have B2, I have B3, I have B4, and ultimately I have Bn. But the sample space is composed of all of them. We make the union, we get the total sample space. Okay, now we define something that if I want to compute A, this is an event A, and then if I go for the A intersection sample space, so that would be written as something like this, because this sample space is in fact all the B's. हम replace कर सकते हैं ना? Can we do it? And if I say, for example, if I define कि my A is समथिंग विद इन दिस स्पेस, से ये ए है, तो ए के अंदर सब हिस्सा है, सब के अंदर ए से मैं, लेट मी चेंज कलर, से ये जो चीज है ना सारी, ये ए है, नजर आ रहा है. अब ए के अंदर जो है वो सबका कुछ ना कुछ हिस्सा है, ठीक है. तो ए जो है वो बराबर होगा ए इंटरसेक्शन सैंपल स्पेस के, क्योंकि ए उसके अंदर है ना. तो आप जब उसका पूरी सैंपल स्पेस के साथ लेंगे तो यही निकलेगा बाहर. दिस इज अ वेरी अंडरस्टैंडेबल नोशन, एग्री कि नहीं? ये चीज बराबर होगी इसके, होगी ना. और इसमें जो जो आपके पास जो सिग्मा है वो इटसेल्फ बराबर है, उसके अंदर बहुत सारी चीजें, उसके अंदर b1 भी है, b2 भी है, b3 भी है. सो वी कैन राइट समथिंग लाइक दिस,
अच्छा, बेस्ड ऑन द सिमिलर थ्योरम विच वी जस्ट यूज अर्लियर, वी कैन नाउ ब्रेक इट अप। नाउ वी कैन राइट डाउन, देखिए कि ए जो है वो बी वन के साथ भी चला जाएगा, बी टू के साथ भी, और टिल बी एन। सो इट वुड बी ए इंटरसेक्शन बी वन। ऐसा ही है, देखो इसमें ए जो है वो चूंकि सबके साथ है, तो ए का वो पोर्शन जो बी वन के साथ है वो प्लस वो पोर्शन जो बी टू के साथ है वो अल्टीमेटली सारे ऐड हो जाएंगे। बात तो वही होगी। तो इट इज अगेन अंडरस्टैंडेबल थिंग, वी कैन राइट समथिंग लाइक दिस, के आप ए का वो पार्ट ले लें कॉमन जो बी वन के साथ है, उसको जमा कर लें बी टू के कॉमन पार्ट के साथ, और अल्टीमेटली सारे ऐड कर लें तो यही मिलेगा। तो अल्टीमेटली देखें, स्टार्ट हम ए से हुए लेकिन हम यहाँ पे आ गए। बात एक ही है, सिर्फ वी आर ओपनिंग अप। ओके, सो नाउ एज फार एज दी बेस थ्योरम इज, इनफैक्ट एज फार एज योर कंडीशनल प्रोबेबिलिटी इज कंसर्न, दिस इज इंटरसेक्शन फिनोमेना एंड वी कैन राइट इन टर्म्स ऑफ द कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। थोड़ी देर पहले हम लिख के आए कि जी प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन बी इज प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी गिवन probability of B. If I make a cross section, cross multiplication, then this thing is in fact this multiplied by this. लिख सकते हैं। So I have replaced A intersection B1 with A given B1 into probability of B1. And similarly, the second one, इसको इस तरह लिखा जा सकता है, लिखा जा सकता है। So the third one and ultimately the last expression, all of them can be written in terms of the conditional probability values. ठीक है, making use of the mathematical expression which is used for the conditional probability. So now, if you observe here, this is B1, this is B1, this is B2, this is B2. Ultimately, the last value is Bn and Bn. So I can make a sum over here and I can run it I going from 1 to n. So I can simply say okay my probability of A, because what I have done, देखिए हमने शुरू कहाँ से किया था, A से शुरू किया था, उसको ब्रेकअप किया एंड देन वी अप्लाइड दी प्रोबेबिलिटी वैल्यूज, वी स्टार्ट ओके जी हम लेफ्ट पे भी प्रोबेबिलिटी लेते हैं, राइट भी प्रोबेबिलिटी लेते हैं, और उसको ओपन किया हमने बाय दी कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। सो अल्टीमेटली प्रोबेबिलिटी ऑफ ए वुड बिकम इक्वल्स टू अ समेशन वेयर आई गोइंग फ्रॉम 1 टू n and probability of A by BI into probability of PI. This is in fact called the weighted sum of conditional probability. ये जो BI है ये multiply कर रहे हैं हम A by BI से हर केस के अंदर, तो ये इसकी एक वेट वैल्यू है, कुछ ना कुछ वैल्यू होगी 0.2, 0.3, 0.2, 0.3, 0.1, 0.7, 0.6, वो वेट दे रही होगी कंडीशन को, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी को। सो दिस इज अ वेटेड सम ऑफ कंडीशनल प्रोबेबिलिटी एंड देन This A is the total probability. ठीक है, देखें हुआ क्या बेसिकली, ये पूरा केस था, हमने एक पूरा तरबूज काटा, उसको सैंपल स्पेस डिक्लेयर किया और उसके अंदर से आई मेड इट ओके यार मेरे जो बीज है ना वो सारे पोर्शन में नहीं है बल्कि दे आर मे बी इन अ क्लोजर रेडियस ऑफ से, अगर वो आपका वाटरमेलन जो है वो 0.5 मीटर का काफी बड़ा है, तो उसमें से 0.3 मीटर तक जो है वो उसमें बीज है, बाहर नहीं है। अकॉर्डिंगली हमने एक इवेंट डिफाइन कर दिया कि ए उसके अंदर लाई कर रहा है, एक बड़ी स्पेस के अंदर एक इवेंट ए है और वो फर्दर डिस्ट्रीब्यूटेड है सब इवेंट्स B1 से लेके Bn तक। तो अगर उसकी प्रॉबिलिटी निकालनी हो उस एक इवेंट की जो कि काफी सारे इवेंट में फैला हुआ है, राइट, ये केसेस अभी आएंगे जब हम जाएंगे कम्युनिकेशन के अंदर। हाँ, ऐसा होता है कि आपका एक इवेंट जो है वो मल्टीपल डोमेन में डिस्ट्रीब्यूटेड होता है, उनको आपको कनेक्ट करना चाहिए, तो कनेक्ट करने के लिए आप जाएंगे तो द ओनली थिंग व्हिच इज पॉसिबल टू अप्लाई इज द बेस थ्योरम और द टोटल प्रोबेबिलिटी और द कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, देयर इज नो अदर वे पॉसिबल, वी विल सी दैट एज वेल। बट नाउ अभी हमने ये वेरीफाई किया, अभी इसी केस को लेके चले और ये मेरे ख्याल में अंडरस्टैंडेबल है कि अगर इसको हम जो एग्जाम्पल मैंने दी है उसको अगर आप रिलेट करें तो ये प्रॉबिलिटी ऑफ ए निकाली जा सकती है बाई डूइंग दिस ऑपरेशन। ठीक है, दिस इज कॉल्ड टोटल प्रॉबिलिटी। तो कोई डाउट यहाँ पे इस चीज में, अगर कोई चीज आपको समझ नहीं आई है, क्या चीज पूछे ना आप?
मैंने ये कहा कि देखें यहाँ पे हम इस जगह पे हमने इसको सिंपल सेट्स की टर्म्स में लिखा हुआ है। अब यहाँ पे हम करते हो कि जी लेट्स टेक दी प्रोबेबिलिटी ऑन बोथ साइड्स, ऐसे ही है तो ये इस जगह पे भी आ जाएगी, इस जगह पे भी आ जाएगी, ठीक है। जब ये आ गई तो बाय दी रूल्स ऑफ, अभी हमने थर्ड एक्सियम किया था ना, उसमें हमने कहा था इसको आप ब्रेक कर सकते हैं, जब यूनियन आ जाता है तो प्लस प्लस के साइंस आ जाते हैं, तो वी डिड दैट, ठीक है। और फिर इसको हमने फर्दर खोल लिया इस टर्म्स में, इस एक्सप्रेशन को यूज करते हुए जो यहाँ पे है आपके राइट साइड पे, ठीक है, इस वाली को हमने यूज किया एंड वी वेंट एंड मेड अ सिंप्लीफिकेशन। इन सारी एक्सप्रेशंस में आप एक ही चीज जो है वो बार बार रिपीट हो रही है, तो वी मेक अ सम। अगर इसको आप खोलेंगे ना इस एक्सप्रेशन को, खुद देखिए खोल के देख लें, इट विल बी प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन बी वन इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी वन प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन बी टू इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी टू प्लस, और ये प्लस चलता रहेगा। तो वी कैन सिंपली शो दिस होल एक्सप्रेशन विद दिस सिंगल समेशन टर्म, सो दिस इज अ वेटेड सम ऑफ कंडीशनल प्रोबेबिलिटी एंड दिस गिव्स अस द टोटल प्रोबेबिलिटी, क्योंकि उसकी हमने इसको हमने जो लेके चले थे वो हम इस तरह से लेके चले थे कि एक हमने ए हमने डिफाइन ही ऐसे किया था, तो आई थिंक इट्स विजिबल दिस ए जो है देखें उस पूरे के अंदर एक एक खास डेफिनेशन हमने की हुई है, ठीक है। तो वो ए जो है वो बी वन में भी है, बी टू में भी है, टिल बी एन सब के अंदर है। तो जब उसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है तो मुझे उसको जाना पड़ेगा, बी वन का इफेक्ट देखना पड़ेगा, बी टू का इफेक्ट देखना पड़ेगा, अल्टीमेटली बी एन का इफेक्ट देखना पड़ेगा। सारे इफेक्ट जब मैं जमा करूंगा तभी मेरा ये आंसर निकलेगा, ठीक है। तो हमेशा ये याद रखिए रियल लाइफ में कि जब भी आपके एक इवेंट जो है किसी और पर डिपेंडेंट होता है तो आपको टोटल प्रोबेबिलिटी की तरफ जाना पड़ता है, प्योरली एक वैल्यू क्लासिकल डेफिनेशन यूज नहीं हो सकते, ठीक है। लेट्स सी एन एग्जांपल, से ये एक देयर आर वेरियस रेजिस्टर्स व्हिच हैव बीन डिस्ट्रीब्यूटेड इन थ्री बिन्स, 10 ओम का रेजिस्टर जो है, तीन टोकरियां हैं, तीन डब्बे हैं, और उसमें आपने 10 ओम, 100 ओम, 1000 ओम के रेजिस्टर्स जो है वो प्लेस कर दिए। सो से पहले डब्बे में 500 रेजिस्टर जो है वो 10 ओम्स के हैं, 300 100 ओम्स वाले हैं, और 200 1000 ओम्स वाले, ये पहले डब्बे के अंदर आपने मिक्स किया। दूसरे डब्बे में आपने 10 ओम का कुछ नहीं डाला, 100 वाले 400 पीसेस डाल दिए और 1000 वाले 600 पीसेस डाल दिए। सिमिलरली तीसरे डब्बे में आपने 200, 600 और 200 वैल्यूज डाल दिए। तो आप हर डब्बे में 1000 1000 रजिस्टर हैं, लेकिन उसके अंदर फर्दर जो है वो कुछ डिस्ट्रीब्यूशन है। सिमिलरली अगर सिर्फ 10 ओम के रेजिस्टर्स को देखा जाए तो टोटल 700 थे, उसमें से आपने 500 एक डब्बे में डाले, 200 दूसरे डब्बे में डाले, ठीक है। आपका नाम क्या है? जरा क्या कर रहे हो? चलो समझ आ रही है, ठीक। ओके सो नाउ दिस इज द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द कंप्लीट इवेंट इन विच यू हैव मेड अ सिचुएशन एंड हैव क्रिएटेड सर्टेन थिंग्स। सो नाउ द एक्सपेरिमेंट इज दैट आई डिसाइड फॉर अ बिन, आई हैव बीन टोल्ड ओके गो टू एनी बिन एट रैंडम एंड देन चूज अ रजिस्टर फ्रॉम दैट बिन एट रैंडम। अगर आप में से कोई भी खड़ा होगा जी ओके जी जाए जी आप कोई एक किसी डब्बे में से आप जब जाएंगे तो किसी भी चले जाएंगे, कोई वन पे जाएगा, कोई टू पे जाएगा, कोई थ्री पे जाएगा, और कोई रेजिस्टेंस निकाल लिया, तो एक रैंडम इवेंट है। सो लेट लेट अस डिफाइन द इवेंट ए एज दैट द रेजिस्टर हैज अ रेजिस्टेंस 10 ओम्स, द रेजिस्टर हैज अ रेजिस्टेंस ऑफ 10 ओम्स एंड इफ आई आस्क यू ओके फाइंड आउट द प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इस केस के अंदर, तो आपको क्या समझ आती है? यानी जस्ट विजुअलाइज दिस सिचुएशन, हाउ कैन वी कंप्यूट द प्रोबेबिलिटी ऑफ ए वेयर ए इज द 10 ओम रेजिस्टर। कुछ इसमें जी जरात आपको तो समझ आ रही है ना, तो क्या करें आप?
ये वैल्यू निकालनी है। अगर ये सिचुएशन पेंट की है मैंने आपके सामने, अगर आप, मैं आपसे पूछूं कि कैसे निकालेंगे, तो आपको क्या समझ आती है? अब ए जो इवेंट है, ए इवेंट जो है, ए इज बेसिकली फाइंडिंग आउट दी 10 ओम रेजिस्टर। इफ यू जस्ट विजुअलाइज दिस सिचुएशन, प्रोबेबिलिटी में विजुअलाइजेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। मोस्टली पीपल आर स्टक वंस दे कैन नॉट विजुअलाइज। इफ यू कैन विजुअलाइज वेल देन यू कैन डू वेल। सो हमेशा पहले क्वेश्चन को समझें और देखें कि वो क्या कह रहे हैं और फिर आगे चलें। और ये रियल लाइफ एग्जाम्पल्स होती है, रियल लाइफ सोचें, अपने आप को वहाँ प्लेस करेंगे, मैं खड़ा हुआ हूँ वहाँ। इफ यू आर इफ यू प्लेस योर सेल्फ देन यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड एंड अप्लाई द करेक्ट वे। तो देखिए, एक इवेंट है जिसमें आपने 10 ओम के रजिस्टर की प्रोबेबिलिटी निकालनी है, और आपको पता है तीन मेरे पास टोकरियां पड़ी हैं और हर एक में 10 वाला जो है वो रजिस्टर हो सकता है। तो इट मीन्स ये कि जो प्रोबेबिलिटी निकलेगी वो डिपेंडेंट ऑन टोकरी 1 भी होगी, डिपेंडेंट ऑन टोकरी 2 भी होगी, डिपेंडेंट ऑन टोकरी 3 भी होगी। तो यहाँ पे कोई टोटल प्रोबेबिलिटी निकालनी चाहिए हमें, ये सिंगल प्रोबेबिलिटी नहीं निकल सकती किसी एक के अंदर से। जस्ट काउंटिंग द नंबर्स, मैं कहोगे जी मैंने जमा किया कि 10 10 वाले जो है 700 हैं, टोटल 3000 है, तो 700/3000 कर दें आप। ये इस तरह से सिंपल हो सकता है, आंसर सेम आ जाए करने के बाद भी, लेकिन ये अप्रोच ठीक नहीं है। दिस इज नॉट द करेक्ट अप्रोच। करेक्ट अप्रोच इज आई हैव टू गो टुवर्ड्स द इंडिविजुअल प्रोबेबिलिटी विद रिस्पेक्ट टू अ विन एंड देन गो फॉर द कंप्यूटेशन बेस्ड ऑन टोटल प्रोबेबिलिटी, राइट? सो इन दिस केस लेट बी आई, जब आप जाएंगे तो जारी बात है, पहली बात है कि आपने कोई एक बिन सेलेक्ट करना है, तो बी आई मे बी अ बिन B1, B2, B3। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ B1, प्रोबेबिलिटी ऑफ B2, प्रोबेबिलिटी ऑफ B3, क्योंकि इसके कोई ताल्लुक किसी के साथ नहीं है, ये इंडिपेंडेंट इवेंट्स हैं, ऐसे ही है, तो ये 1/3 हो सकती है कि जी तीन इवेंट्स हैं, तीनों में से आप कुछ भी चूज कर सकते हैं। सो आई कैन से ओके जी माई प्रोबेबिलिटी ऑफ BI, ith बिन इज सेलेक्टेड, दैट वुड बी 1/3, आई कुड बी 1, 2, 3, आई कैन गो टू एनी बिन। तो ये BI तो हमेशा 1/3 इस केस में होगी, ठीक है जी। अब उस केस, अब वो जब आप एक बिन पे चले गए तो फिर उसमें से आपने कोई रजिस्टर निकालना है ना। से मैं B1 पे चला गया और मैंने रजिस्टर निकाला, क्या प्रॉपर्टी के वो 10 ओम का होगा? तो दैट वुड बी A/B1 बिकॉज आई हैव गॉन टू B1। सो ओवर देयर अगर मैं देखूं कि जी बिन 1 जो है उसमें अगर मैंने प्रॉपर्टी निकालनी है, तो चूंकि 500 रजिस्टर वहां पे है और टोटल 1000 है, तो प्रॉपर्टी ऑफ ए गिवन B1 is equals to 500 by 1000। यहाँ पे आप क्लासिकल अप्रोच यूज कर सकते हैं, राइट? सो इट मींस दिस वुड बी 0.5। सिमिलरली बिन 2 पे जाते हैं तो वहां 10 ओम का कोई रजिस्टर ही नहीं है, तो 0 हो जाएगी, और B3 पे जाते हैं तो 0.2 आ जाएगा, ठीक हो गया। अब अगर मैं जाऊं कि जी अब बेसिकली मैंने तो ये तो मेरे पास कंडीशनल आ रही है, मैंने तो निकालना था प्रोबेबिलिटी ऑफ ए दैट इज रिक्वायर्ड। और बाय द क्लासिकल अप्रोच देखें ये बेसिकली हो क्या रहा है, ये कुछ इस तरह की चीज है, ये ए है जो कि B1 में भी है, B2 में भी है, और अल्टीमेटली इस केस में चूंकि 3 है टोटल, तो हम ये कह सकते हैं जी इस तरह का केस, ये B1 है, ये B2 है, ये B3 है, और ये टोटल जो है ये ए है, ठीक है। सो इस केस के अंदर अगेन जो कंडीशनल प्रॉपर्टी लगेगी वो कुछ इस तरह से लग सकती है, फिर वी हैव टू सम देम अप, A/B1 इनटू B1, A/B2 into B2, and all these values are known. ये भी पता है, ये भी पता है, ये भी पता है, 1/3 है, और ये भी पता है, ये भी पता है, ये भी पता है, तो we can just multiply and get the answer, it is 7/30. 7/30 in fact is not equals to 700/3000. Yes, it is equal. आ गया, लेकिन ये कि ये this अगर मैं direct करता तो that was having a wrong approach. ये हमेशा equal नहीं आएगा इस केस में, स्पेशली स्पेशल एक केस बन गया कि इसमें आंसर सेम आ गया, बट दिस आंसर इज इफ यू गो बाय दिस अप्रोच, आई गो एंड शो यू, इफ आई जस्ट यू जस्ट राइट डाउन ओके जी कि मेरे पास ये 3000 टोटल है, 700 ये है, तो 700/3000 कर दें आप जी क्लासिकल अप्रोच, तब भी आंसर तो यही आ रहा है, राइट? बट दिस इज नॉट द करेक्ट अप्रोच, ठीक है जरा। ओके लेट्स
change the question now. So let us ask whether another thing is possible. Suppose we are given that the resistor drawn has resistance 10 ohms. निकाल लिया 10 ohm, आपने देखा जी, देख लिया उसका कि 10 ohm उसकी वैल्यू है. What is the probability that it came from box 1? Now this is a separate story. Or what is the probability it came from box 2? Or what is the probability it came from box 3? So now this is a separate case. Earlier we knew that the probability of V1, probability of V2, probability of V3 was 1 by 3. Remember, that was the a priori probability. We didn't define any other condition. But now we are putting a condition. We are saying, okay, ab aap bataye ki 10 ohm ka resistor nikal aaya hai, kya probability hai ki ye V1 se banda V1 pe gaya tha ya V2 pe gaya tha ya V3 pe gaya tha. Dekho ek thoda sa entangled situation aa gaya. So is case ke andar aap, now you have to see it. Now this is in fact called the a posteriori probability. Communication mein isko hum kehte hain ki kuch cheez pata hai और उसकी बेस पे आप अब कोई चीज और निकालने जा रहे हैं. सो दैट इज द ए पोस्टीरियोरी प्रोबेबिलिटी. इस केस के अंदर वी कॉल इट आफ्टर द इफेक्ट. दिस इज आफ्टर द इफेक्ट. सो द अर्लियर प्रोबेबिलिटीज वर फिक्स्ड 1/3, दे वर द ए प्रायरी. नाउ वी आर रिफाइनिंग इट बेस्ड ऑन समथिंग नोन. सो दैट नोन वैल्यू इज दैट द रेजिस्टर हैज बीन ड्रॉन एंड इट हैज बीन सीन, इट हैज कम आउट टू बी अ 10 ओम रेजिस्टर. So in this case ke andar now again if we apply the expressions, so this V1 by A would be equivalent to V1 intersection A by probability of A. Aise hi hai. Aur now what I can do, we know that once we take the intersection values then both are same. Either we go हम A को पहले रखें या B1 को पहले रखें, बात एक ही है, ऐसा ही है. So we can equate these two probabilities. Based on this, now we can simplify certain things. B1 intersection A can be written as, अगर मैं इसमें वही क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करूं, इट वुड बी A given B1 into probability of B1. लेट मी राइट डाउन ओवर. देखिए मैं पता है कि जी प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन B1 वुड बी प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन B1 डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ B1. लिख सकते हैं ऐसे ही है. और अगर मैं इसको ऑपोजिट करूं, B1 गिवन A इट वुड बी इक्वलेंट टू प्रोबेबिलिटी ऑफ B1 इंटरसेक्शन A given, इस तरह लिख सकते हैं हम. अच्छा अब इस चीज को देखिए जरा, यहां पर ये जो चीज है आपके पास, यहां पर ये B1 इंटरसेक्शन A है. कैन दिस B1 इंटरसेक्शन A रिटन एज दिस थिंग A इंटरसेक्शन B1, या ये जो ऊपर वाली एक्सप्रेशन है इसमें मैं इसको रिप्लेस कर सकता हूँ. मैं इधर से आ रहा हूँ, इसको मैं इस तरह लिख सकता हूँ कि जी प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन B1 वुड बी इक्वलेंट टू प्रोबेबिलिटी ऑफ B1 इंटरसेक्शन ए गिवन प्रोबेबिलिटी ऑफ B1. लिख सकते हैं. और अकॉर्डिंगली अगर मैं सिर्फ इसको निकालना चाहूँ तो यहाँ पर भी नजर आ रहा है मुझे. सो वो ये चीज होगी जो यहाँ लिखी हुई है. होगी कि नहीं होगी? ये इनफैक्ट मैं इसलिए आना चाहूँ, देखो वी आर ट्राइंग टू डू समथिंग लाइक दिस. ये मैं आपको बताता हूँ, थोड़ी आवाज खत्म हो गया.
अच्छा जी, दोबारा देखिए, ऐड कर लें, ज़्यादा क्लटर हो गई है। अच्छा, आप पहले से उसे देख के कंफ्यूज हो गए यार, कि बहुत कुछ लिखा हुआ है इस पे। होता है, बंदा नीच वाली चीज़ों को फोकस करना शुरू कर। ठीक है, चले मैं इसमें ऐड। असल में मैं सिर्फ टाइम बचाने के लिए ऑलरेडी इस पे जो लिखा हुआ है ना उसको यूज़ कर रहा हूँ, ताकि वो, क्योंकि अगर ये मैं अभी लिख रहा होता तो शायद मैं अभी मसल में हाफ स्लाइड्स पे होता। तो स्टिल मैंने स्पीड इसलिए कम रखी हुई है कि ताकि वो आप लिंक कर सकें चीज़ें। बट यू कैन स्टॉप मी अगर एनी इफ़ यू फील एनी प्रॉब्लम एनी वेयर, आई कैन स्लो डाउन फर्दर। ओके जी, चले मैं इसको यहाँ पे एक दफ़ा दोबारा यहाँ पे आपके लिए लिखता हूँ। सो जस्ट रिकॉल, रिकॉल दैट दी प्रॉबिलिटी ऑफ पी वन गिवन ए इनटू प्रॉबिलिटी ऑफ ए इज इक्वल्स टू प्रॉबिलिटी ऑफ बी वन इंटरसेक्शन ए। ठीक है, एग्री? और इन जनरल आई कैन से, अगर मैं इसको जनरलाइज करूं, देन प्रॉबिलिटी ऑफ बी आई गिवन ए, बिकॉज वी आर थिंकिंग कि जो बी आई है ना वो पूरे टोटल के अंदर कोई एक छोटा इवेंट है। सो दैट इज इक्वल टू प्रॉबिलिटी ऑफ बी आई इंटरसेक्शन ए। सही है, विजिबल है? एग्री टू दिस पॉइंट? सो अब पहले हम लिखते हैं कि जो हमारे पास पिछला वाला केस था, ओके जी, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी वन, बिकॉज अभी हम जो मैंने आपसे प्रॉब्लम कोड किया था ना, जो हम एग्जाम्पल लेके चले थे, उसमें हम प्रॉबिलिटी निकालना चाह रहे थे कि जी इवेंट हो गया, मैंने देख लिया उसको, मैं बी वन पे गया था या मैं बी टू पे गया था या मैं बी थ्री पे गया, दैट वॉज इनफैक्ट रिक्वायर्ड। सो इस चीज के लिए मैं आप इसको ना कंप्यूट करना चाह रहा हूँ। सो आई एम जस्ट गोइंग, क्योंकि जी अगर ये सारी दो चीजें ठीक हैं तो आई कैन राइट डाउन दैट द प्रोबेबिलिटी ऑफ बी वन गिवन ए वुड बी इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी वन इंटरसेक्शन ए डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। सही है? और अगर इसको मैं जनरलाइज करूं, देन प्रोबेबिलिटी ऑफ बी आई गिवन ए, बिकॉज हमने सिर्फ ये तो एक के लिए लिखा है ना, मैं इसको जनरलाइज करना चाहता हूँ। जनरलाइज करूंगा तो न्यूमरेटर में क्या आएगा? बी आई इंटरसेक्शन ए आ जाएगा, और बी आई इंटरसेक्शन ए जो है वो क्या है, वो किसके बराबर है? ये भी ऊपर लिखा है, इन दो के बराबर है। कैन आई राइट डाउन? कैन आई राइट डाउन? ठीक है, अच्छा मैं इसको पहले थोड़ा सा इधर मैं एक चीज और लिख लूंगा, यही चीज जो है इसी को मैं इसके इक्वल भी लिख सकता हूँ, दिस इज नथिंग बट प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन बी आई इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी आई, ये इसके बराबर भी है। देखो इसलिए मैं इधर अब इसको इसके इक्वल इसलिए नहीं लिख रहा, फिर वो चीजें कैंसिल हो जाएंगी। आई एम जस्ट ट्राइंग टू इक्वेट एंड ट्राई टू गेट अ, बिकॉज अगर अभी आप थोड़ी देर पहले देखो तो हमने ए बाय बी वन निकाला है, निकाला है कि नहीं निकाला? ए बाय बी टू निकाला है, ए बाय बी थ्री निकाला है, बी वन तो मुझे चाहिए, बी वन गिवन ए तो चाहिए। अगर वही मैं दोबारा राइट साइड पे लिखूं तो उसी को तो मैं कंप्यूट करना चाह रहा हूं यहाँ पे। ये जो कंप्यूटेशन रिक्वायर्ड है इसमें मुझे बी वन गिवन ए चाहिए। अगर मैं वही से अगर मैं इसको इस चीज को मैं इक्वेट कर दूंगा इसके बराबर, तो देखो मैं पहले लिखता हूँ फिर मिटा दो, इट वुड बी प्रोबेबिलिटी ऑफ बी आई गिवन ए इन टू प्रॉपर्टी ऑफ ए डिवाइडेड बाई प्रॉपर्टी ऑफ ए, इसके बराबर हो जाएगा। तो इधर दोनों साइड पे अननोन आ गए, आ गए भाई, यही निकालना है और इधर ही आ गया वो, ये तो चाहिए ही नहीं, राइट साइड पे वो चीज होनी चाहिए जो हमें मालूम हो। तो आई कैन इंस्टेड ऑफ दिस आई कैन राइट दिस बिकॉज दिस इज नोन टू मी, और ये भी इसके बराबर ही है एज पर दी मैथमेटिक्स। सो इट मीन्स वट आई कैन डू, रेज कर दो उसको, एस को रेस कर, एंड आई राइट डाउन
probability of A given bi into probability of bi. अब क्या है जी, अब जो लेफ्ट साइड पे अननोन है उसके लिए राइट साइड पे न्यूमिनेटर में जो वैल्यूज है वो नोन है. अब इसी करंट एग्जांपल को अगर आप रिलेट करें तो इसकी वैल्यू भी आ चुकी है और इसकी वैल्यू भी आ चुकी है और इसकी भी आ चुकी है, आ चुकी है ना. और वो किस तरह से आई है, मैं उसको और फॉर्म में लिखता हूँ, इट वुड बी. अच्छा अगर कोई चीज ना समझ आए तो मुझे आप रोक के बेशक पूछ लीजिए. नीचे मैं क्या करता हूँ, नीचे मैं आप ए को रिप्लेस कर देता हूँ विद दी विद दिस एक्चुअल वैल्यू. वो क्या थी, वो एक टोटल प्रोबेबिलिटी और वो इस तरीके से दी गई, यू कंप्यूटेड ए बाय बी वन इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी वन, यू एडेड प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाय बी टू इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी टू, एंड देन यू एडेड प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन बी थ्री इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी थ्री. राइट, नाउ इफ यू सी टू कंप्यूट द लेफ्ट हैंड साइड ऑल द थिंग्स ऑन द राइट हैंड साइड आर नोन. I can generalize like this, and this is nothing but the Bayes theorem. Or your Bayes theorem, jo hai, this is the most important theorem once we go towards the decision theories. Once we have to decide about something, then we use this Bayes theorem extensively. All the communication system at the moment they use it. The receiver in the communication systems, they have to decide whether I have received a bit 0 or a bit 1, right? The priori probability of sending a 0 or a 1 is 50%. Okay, I'll receive a bit 0 or a 1, 50%. I may receive a 0, I may receive a, just like a coin. मुझे 0 मिलेगा या 1 मिलेगा, लेकिन based on what was transmitted, this will change, right? So we can say, gee, okay, probability of receiving a signal S1 based on 0 was sent, or probability of receiving a waveform S2 provided a 0 was sent, can be worked out based on this expression. And this mathematics will assist the receiver to decide कि इस वक्त उसको जो मिला है वो जीरो मिला है या वन मिला है. या MRE कम्युनिकेशन के अंदर उसको मल्टीपल वेवफॉर्म्स हो सकती हैं, बाइनरी में सिर्फ जीरो या वन की वेवफॉर्म आती है. अगर आप फोररी सिस्टम यूज कर रहे हैं, 8 PSM यूज कर रहे हैं, 254 QAM यूज कर रहे हैं, तो मल्टीपल वेवफॉर्म्स जो पॉसिबल हैं वो सारी की सारी यहाँ पर बेस्ड ऑन दी ट्रांसमिटेड सिंबल कंप्यूट की जा सकती है, राइट. So this has application over there. We'll see that application further in the later slides. But let's do an okay. Yeah, in fact, assignment to maine shayad aapko already de di thi. Ye de dete ho. सॉरी, इसको कंप्लीट कर लें, इस स्लाइड को. ये बेसिकली इससे रिलेटेड है जो कि हमने प्रॉब्लम किया है, इसके बाद ब्रेक करें. मैंने भी आपसे कहा था ना कि ओके जी, हमने ए बाय बी वन निकाल लिया, ए बाय बी टू निकाल लिया, ए बाय बी थ्री. अब हम निकालने जा रहे हैं प्रॉबिलिटी ऑफ बी वन गिवन ए, कि क्या प्रॉबिलिटी है कि ये बॉक्स वन से रजिस्टर निकाला गया था. तो उस केस के अंदर वी कैन यूज दिस बेस थ्योरम. नाउ वी कैन राइट डाउन, ओके दिस इज इक्वल टू एज पर दिस अंडरस्टैंडिंग जो थोड़ी देर पहले हमने देखी थी. हमने कहा था जी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ बी आई गिवन ए वुड बी इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन बी आई इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी आई डिवाइडेड बाय टोटल प्रोबेबिलिटी. यही था ना. अब उसको मैं यहाँ अप्लाई कर देता हूँ. अगर बी वन के लिए कर रहे हैं तो ए बाय बी वन इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी वन डिवाइड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, एंड वी नो ए बाय बी वन इज 0.5 एंड बी वन जो ए प्रायरी है वो 1/3 सबके लिए इक्विवेलेंट थी, तो वो रिप्लेस कर दी. पी ऑफ ए निकाल कर आए 7/30, तो आंसर कम्स आउट टू बी 5/7.
once you multiply all this. Similarly, b2 ke liye nikalne jaye agar, so it would be a by b2 into probability of b2 by probability of a. A by b2 zero hai, so the answer comes out to be zero. Similarly, for the box number 3, it is 2 by 7. So in this way, we can work out in both dimensions. एक की डिपेंडेंस दूसरे के ऊपर या पहले की दूसरे के ऊपर, दूसरे की पहले के ऊपर या पहले की दूसरे के ऊपर, बोथ कैन बी, ठीक है. सो दिस इज, विल सी अनदर एग्जांपल वंस यू कम बैक आफ्टर द ब्रेक. यू कैन हैव 5 मिनट्स ब्रेक कर ले. चलिए बिस्मिल्लाह करते हैं, लेट्स स्टार्ट करते हैं. ओके, सो लेट्स टेक अनदर एग्जांपल ऑफ एप्लीकेशन ऑफ बेस एंड ट्राई टू एस्टैब्लिश दैट इट्स नॉट, द थिंग्स आर नॉट गोइंग टू बी कंप्यूटेड इन द सिंपलर क्लासिकल वे एज वी हैव बीन डूइंग अर्लियर. वंस वी सी समथिंग व्हिच इज डिपेंडेंट ऑन अदर थिंग. This example is about again a different situation. Let's say there are three suppliers, supplier A, supplier B, and supplier C. And in fact, we have the some of the ICs purchased from these suppliers, and their failure probability based on supplier is known to us. Like 10% chances are there of failure of an IC if supplier is A. So I can write down probability of F given A is 0.1. Similarly, supplier is B, then the probability reduced, it is 5%. If the supplier is C, then probability is 8%. So these are the failure probabilities based on supplier. And the number which are ordered are shown in the next column. Based on these probabilities, the purchaser has ordered 1,000 ICs from supplier A, 2,000 for supplier B, and 3,000 for supplier C. Maybe depend upon some other factors like cost, etc. And all of these ICs, they are mixed together. And now the experiment is, once they are mixed together and one is picked at random, what is the probability of failure? Her supplier se jo IC aa raha hai, usme kuch chances hain failure ke, theek hai? ए के साथ भी कुछ चांसेस हैं, ये वाले. बी के साथ भी चांसेस हैं कुछ, ये वाले. और सी के साथ भी चांसेस हैं, ये वाले. सो अगर तीनों तरफ से जो आई हुई है उनको आप मिक्स कर दें और एक को पिक करें, तो क्या प्रोबेबिलिटी है कि ये फेल होगी? सो इट मींस इट इज, दिस फेलियर प्रोबेबिलिटी इज डिस्ट्रीब्यूटेड इन 3 डिफरेंट सप्लायर्स. सो इट हैज टू बी अ टोटल प्रोबेबिलिटी व्हिच रिक्वायर्स टू बी कंप्यूटेड. सो अल्टीमेटली हमारे पास जो प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर निकलनी चाहिए, दैट शुड बी प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर इफ इट इज फ्रॉम ए इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर फ्रॉम बी. एंड सिमिलरली गिवन सी इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ सी. वेयर एज नाउ ऑल दीज प्रोबेबिलिटीज आर नोन टू अस. लाइक इसमें हमें पता है जी कि ये प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ गिवन ए क्या है, ये है. एफ गिवन बी क्या है, ये है. एफ गिवन सी क्या है, ये है. और प्रोबेबिलिटी ऑफ ए क्या है, बेसिकली 1000 आईसी उसके पास है, टोटल शेयर्स आ रहे हैं, तो 1/6 होनी चाहिए. 1000/6000, दिस शुड बी 2000/6000, दिस शुड बी 3000/6000, ठीक हो गया. सो अकॉर्डिंगली वी कैन प्लेस द वैल्यूज इन. और जब उन वैल्यूज को आप प्लेस करते हैं 0.1 इनटू 0.16, 1/6, 0.05 इनटू ऑल वैल्यूज आर प्लेस टुगेदर, देन द प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर्स कम्स आउट टू बी 0.0733. ठीक है. नाउ माय नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट गिवन दैट डिवाइस इज फेल्ड, it has been picked and it fails, that IC is fails, or it could be applied to any situation, any equipment. You say ki maine equipment ko pick kiya aur wo fail ho gaya, then what is the probability that the supplier was A or supplier was B or supplier was C?
दिस इज अ सेपरेट सिचुएशन. सो बेसिकली नाउ वी आर इंटरेस्टेड इन दिस थिंग. इफ अगर एक ही बात करें तो हमें पता है कि जी चीज फेल हो गई है, क्या प्रॉबिलिटी है कि ये सप्लायर ए से आया, राइट. सो इस केस के अंदर नाउ वी नीड टू कंप्यूट इट विद द हेल्प ऑफ टोटल प्रॉबिलिटी बेस एक्सप्रेशन, बिकॉज दिस ए बाई एफ इज नथिंग बट एफ गिवन ए इनटू प्रॉबिलिटी ऑफ ए डिवाइड बाय प्रॉबिलिटी ऑफ एफ. ये फेलियर प्रॉबिलिटी निकल चुकी है, टोटल प्रॉबिलिटी है एफ बाय ए हमें पता है और प्रॉबिलिटी ऑफ ए भी पता है. तो आई कैन जस्ट रिप्लेस द वैल्यूज एंड वंस दोज वैल्यूज आर रिप्लेस्ड आई कैन गेट द आंसर. इट कुड बी जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आ जाएगा. द वैल्यू विद मी इज 0.2273. ठीक है. ओके नाउ लेट्स लिंक अनदर अनदर थिंग अगेन अ वेरी कॉमन टॉपिक टुवर्ड्स दिस साइड एंड दैट इज द इंडिपेंडेंट इवेंट्स. So two events they are said to be independent if we can write down that probability of A intersection B is equals to probability of A into probability of B. If you remember from the dependencies, जो हमने थोड़ी देर पहले condition के case में देखी थी, तो A intersection B was equivalent to A by B into probability of B. इसके बराबर थी ना. या B इंटरसेक्शन A करे तो B by A into probability of A इसके बराबर, राइट. सो अगर आप कहते हैं कि जी A और B एक दूसरे पे डिपेंडेंट नहीं है तो ये जो चीज है इसको बराबर होना चाहिए प्रॉबिलिटी ऑफ A के, ये चीज होनी चाहिए क्योंकि वो B पे डिपेंडेंट ही नहीं है, उससे कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा कि कोई इवेंट हो गया, ठीक है. लाइक मैं आपसे कहूँ जी कि क्या प्रॉबिलिटी कि आज बारिश होगी, प्रोवाइडेड आंसर आज लेट आया, लेट तो नहीं आया ना, तो कौन लेट आया था, जुनेद लेट आया, चलो चेंज करते हैं. क्या प्रॉबिलिटी कि आज बारिश होगी जबकि मुझे पता है कि आंसर आज लेट आया, बताए नहीं. कोई ताल्लुक है जुनेद के लेट आने का बारिश के साथ, नहीं है ना. तो आई कैन सिंपली से जी प्रॉबिलिटी ऑफ रेन इज प्रॉबिलिटी ऑफ रेन, उसका कोई ताल्लुक नहीं है. सो ये दो इवेंट्स जो है एक दूसरे से इंडिपेंडेंट है. सो इस केस के अंदर दीज टू थिंग्स हैज टू बी. सो लेट्स देन डू एन एग्जांपल, स्ट्रेट फॉरवर्ड एग्जांपल करते हैं. सो द एग्जांपल इज दिस, देयर इज अ डेस्क व्हिच कंटेन्स सम नंबर ऑफ पेन्स, से 8 पेन्स, एंड 4 ऑफ व्हिच आर ब्लू and they are numbered 1 through 4. एक से लेके चार तक उसमें नंबर दे दिया आप, ठीक है. And rest pens are red. They are numbered through 5 to 8. 5 से 8 तक जो हैं ये रेड कलर के पेन्स हैं, ठीक हो गया. Now the experiment is a pen is drawn at random. That is the experiment. So first of all जो मेरी सैंपल स्पेस बनती है वही है कि जी जो पहले से लेके चौथे तक का जो पेन है वो ब्लू कलर का, ठीक है, और जो पांचवें से लेके आठवें तक का पेन है वो रेड कलर का. ये सैंपल स्पेस है, ठीक हो गया. एंड इफ आई जस्ट टेक आउट दी सैंपल स्पेस में से मैं इवेंट निकालूं ब्लू पेन को, तो वो बराबर है B1, B2, B3, B4. ये चार इवेंट्स हैं. और अगर सिर्फ इवन नंबर पेन की बात करें, एक इवेंट ये डिफाइन कर दें, तो वो उसमें दो ब्लू पेन आ जाएंगे, दो रेड पेन आ जाएंगे. तो आई कुड जस्ट से जी ओके माय इवेंट ए इज दिस एंड इवेंट बी इज दिस, राइट. ए को मैंने खुद डिफाइन किया कि ए वो इवेंट है कि ब्लू पेन जो है वो सिस्टम से निकाला जा रहा है, और बी है कि जी इवन नंबर पेन निकाला जा रहा है. तो अगर उसमें वे इवेंट्स के अंदर उसके मेंबर्स को प्लेस करूं तो चार मेंबर्स ए के अंदर है, चार मेंबर्स जो है वो
बी के अंदर आ जाएगा फ्रॉम दी सैंपल स्पेस। सैंपल स्पेस में आठ पेन थे ना, आठ पेन में से चार रेड थे, चार चार ब्लू थे, ठीक है। तो अगर मैं कहूँ जी कि इसके अंदर से सिर्फ ब्लू पेन निकालने हैं तो वो चार है, और अगर इवन नंबर पेन निकालने हैं तो उसमें दो रेड है दो ब्लू है, ठीक है। और मे भी एक और इवेंट भी डिफाइन कर सकते हैं, जैसे हम कहते हैं जी के नंबर ऑन दी पेन इज लेस देन थ्री, सो वो जी ऑड में सारे ब्लू बिल्कुल हो सकते हैं। मैं भी ये कह रहा हूँ कि ये सैंपल स्पेस हमें पता है, ये तो पता है ना कि चार में ऊपर हमने क्या लिखा जी कि आठ पेन थे, चार जो है वो ब्लू है, पहले से लेके चौथे तक चार ब्लू है, नंबरिंग दे दी ना उनको, नंबर खुद दिया है वन टू थ्री, जो ब्लू पेन थे एक पे वन लिखा, टू लिखा, थ्री लिखा, फोर लिखा, चार रेड थे, पांच लिखा, छह लिखा, सात लिखा, आठ लिखा, ठीक है। ये सैंपल स्पेस बन गई, आठ पेन आ गए, उसमें से एक मैं आपसे कहता हूँ कि इसमें से आप उनको सेपरेट कर दें जो ब्लू है, तो क्या हो गया वन टू थ्री फोर हो जाएंगे ना। ये एक इवेंट बन गया ए कि जी ये एक सब कैटेगरी है ऑफ द सैंपल स्पेस। एक मैंने दूसरा खुद डिफाइन किया, इनमें से सेपरेट कर दो कि जो इवन नंबर पेन है तो आप क्या निकालोगे, दो नंबर पेन निकालोगे ब्लू होगा, चार नंबर निकालोगे छह नंबर आठ नंबर, दो रेड होंगे दो ब्लू होंगे, सही है। और तीसरा इवेंट एक और डिफाइन कर दिया कि नंबर ऑन दी पेन इज लेस देन थ्री, तो आप क्या करेंगे, दो पेन निकालेंगे दोनों ब्लू होंगे, सही है। ये तीन इवेंट्स खुद देखो, ये जो रैंडमनेस आती है ना, हमने खुद डिफाइन कर दी होती, कंडीशंस आर फ्रॉम आवर साइड, बीइंग अ ह्यूमन, बीइंग इंटेलिजेंट, आइदर इंटेलिजेंट मैन कैन डू इट और इंटेलिजेंट मशीन कैन डू इट, तो इवेंट्स यू हैव टू कम अप एंड देन यू हैव टू अप्लाई द कंडीशंस कि अगर ये हो तो क्या होगा, ये हो तो क्या हो। तो ये तीन इवेंट्स डिफाइन किए, और नाउ इफ आई आस्क यू द क्वेश्चन, आर ए एंड बी इंडिपेंडेंट, ये ए है और ये बी है, इन केस ऑफ रेड एंड ब्लू दे आर, और इन केस ऑफ समथिंग एल्स दे आर नॉट, क्वालिटेटिवली थोड़ा मुश्किल है जवाब देना ना, इट इज नॉट एज सच, यू हैव टू कंसिडर वेरियस सिचुएशन एंड देन मे बी यू आर true in some cases and not true in certain other cases, so better is to go for the quantitative method, theek hai। so quantitative method states ke ji okay what you do, aapko pata hai ji ke mere paas jo a ke andar events hain wo char hain, sample space 8 ki hai, to probability of a nikal sakti hai, probability of b bhi nikal sakti hai, theek hai, is it fine, okay। ab agar main kahun ji okay probability of a intersection b nikale, तो ए और बी में कुछ चीज कॉमन है, कॉमन है ना, फोर कॉमन है, देखो ये ए है ये बी है, आप देखते हैं कि बी वन इसमें है इसमें बी वन नहीं है, इसमें बी टू है इसमें बी टू है, इसमें बी थ्री इसमें बी थ्री नहीं है, इसमें बी फोर है, तो इट मीन दो इवेंट कॉमन है। देखो वो जो आपकी इवननेस वाली जो आप क्वालिटेटिव बात कर रहे थे ना, वो यहाँ पे अभी इन्वॉल्व होगी, हो गई, लेकिन ये अदरवाइज आपके लिए डिफाइन टर्म्स डिफाइन करना थोड़ा मुश्किल है मैथमेटिक्स में, और ऑटोमेटिकली कमिंग इन क्वांटिटेशन, क्वांटिफाई वैल्यू जब की है तो आपकी आ रही है, तो आई कैन गो एंड कंप्यूट द प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, इट वुड बी 2 बाय 8 1 बाय 4 ऐसे ही है। सो नाउ वी हैव टू कम अप विद द आंसर के वेदर दीज वर इंडिपेंडेंट और नॉट, सो इन दैट सिनेरियो व्हाट वी हैव टू डू, हमने कहा था जी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी अगर इसके बराबर हो तो जनरली तो ये बराबर होता है ए गिवन बी इन टू प्रॉबिलिटी ऑफ बी, लेकिन अगर ये इंडिपेंडेंट हो तो ये दोनों बराबर इसके बराबर होने चाहिए, सो लेट्स डू दैट। ए इंटरसेक्शन बी पता है हमें 1/4 है, ए भी पता है 1/2 है, और बी भी पता है 1/2 है, तो जब आप मल्टीप्लाई करते हैं आंसर कम्स आउट टू बी 1/4, it means yes they are independent, these two are independent of each other। similarly are a and c independent,
ये ए है, बी वन बी टू यानी ब्लू पेंसिल, और ये सी है, बी वन बी टू, दे आर इंडिपेंडेंट। भाई ए के अंदर सारे ब्लू पेंस हैं और सी के अंदर जो है वो पेंस हैं जो कि लेस देन 3 हैं, तो दे आर इंडिपेंडेंट। लगता है कि जी यार दे आर डिपेंडेंट क्योंकि दोनों में ब्लू पेंस हैं, बट लेट्स डू इट विद द क्वांटिफिकेशन। ये हमारी क्वालिटेटिव अंडरस्टैंडिंग है, लेकिन वी हैव टू वेरीफाई इट फ्रॉम दी क्वांटिफाई क्वांटिफाई क्वांटिफिकेशन। सो लेट्स सी दैट। फॉर दैट व्हाट वी नीड टू डू, हमें प्रोबेबिलिटी ऑफ बी पता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ सी पता है, ये भी है, चार इवेंट्स थे 4/8, सी में दो थे 2/8, तो आंसर कम्स आउट टू बी इसका आ जाएगा 1/2 और इसका आ जाएगा 1/4, ऐसे ही है। और जो बी इंटरसेक्शन सी है इनमें कुछ कॉमन भी है ना, क्या कॉमन है? सो अगर आप ये सी है, अच्छा सॉरी मैं ए के साथ कर गया, ए पे भी कर लेते हैं लेकिन मैं इधर क्वेश्चन बी के लिए हुआ हुआ, तो बी वाला इवेंट ये है, ए और सी को भी देख लेते हैं, वो वहां पे जो है ना आंसर कुछ और निकलेगा, पर पहले इसको ए और बी और सी को देख लेते हैं। तो ये वाला जो है इसमें इसमें एक ही कॉमन है, बी और सी में एक ही कॉमन है ये वाला इवेंट, ठीक है। सो द आंसर कम्स आउट टू बी, नेक्स्ट पे चले, इट कम्स आउट टू बी 1/8, ठीक है। So now you multiply these two, 4/8 and 2/8. So the answer is 1/8, or ये भी 1/8 है. So both are equal. It means yes, they are independent. अब ये कौन से हैं? जाके देखिए इसको कौन कौन से। ये है आपके पास even numbered pen का कोई ताल्लुक नहीं है कि numbers जो है वो less than 3 हो। सही है? अब जो तीसरा केस रह गया, A और C को देख लेते हैं। A में जो है वो सारे के सारे ब्लू पेंस है और सी में जो है वो, तो यहाँ पे आंसर एक जो एनालिटिकल आंसर है वो एक है जी डिपेंडेंट होना चाहिए, ठीक है। सो लेट्स वेरीफाई विद द रिजल्ट्स। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इज 4/8, प्रोबेबिलिटी ऑफ सी इज 2/8, बिकॉज ए और सी में कॉमन 2 है, दोनों को मल्टीप्लाई करें आंसर इज 4/8 को मल्टीप्लाई करें 2/8 से, आंसर इज क्या आएगा करो ना यार 1/8। और जो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन सी है वो क्या है, उसमें दो इवेंट्स हैं इंटरसेक्शन, देखे ना क्या है, ये सी है ये ए है, दो इवेंट्स कॉमन है, तो 2/8 इज 1/4। सो 1/4 तो यहाँ इसके बराबर तो नहीं आ रहे, 1/8 आ रहा है, इट्स नॉट इक्वल्स टू 1/4, सो इट मीन्स दे आर डिपेंडेंट, सो आंसर इज नो, ठीक है। कोई डाउट इस सवाल में? ठीक है, लेट्स डू अनदर एग्जांपल। सपोज ए एंड बी आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, हियर आर सम ऑफ द स्पेशल केसेस। असल में जो भी हमने एग्जांपल की, इसमें एक चीज जो है कि इंडिपेंडेंस ऑफ द इवेंट्स इज नॉट इंटुइटिवली विजिबल, बाय जस्ट लुकिंग एट द इवेंट्स यू कैन नॉट डायरेक्टली डिक्लेयर। सम केसेस में आपको समझ आएगा कि यार ये वाकई कोई ताल्लुक नहीं, बट इन मेनी अदर केसेस यू वोंट बी एबल टू आइडेंटिफाई वेदर द इवेंट्स आर इंडिपेंडेंट और नॉट, यू हैव टू गो ऑन टू द कंप्यूटेशन देन डिक्लेयर वेदर ये इंडिपेंडेंट है या नहीं, ठीक है। रिमेंबर दिस थिंग। Now let's take some special cases. Say if two events are mutually exclusive like this, they do not, there is no nothing common in between. So are they independent? अगर दो चीजों में कोई चीज कॉमन ही नहीं है, एक इवेंट ए और एक इवेंट बी है, लाइक हेड और टेल, आप जब कॉइन को टॉस करते हैं हेड आता है या टेल आता है, हेड और टेल का आपस में कोई ताल्लुक नहीं है, सो दे आर
अच्छा, अब इसमें वी नीड टू अप्लाई, वी नीड टू सी, ये तो हमारे एक इंट्यूटिवली तो यही समझ आ रही है ना, लेट्स सी कि वेदर इट्स पॉसिबल और नॉट। सो अगर ए इंटरसेक्शन बी में कोई चीज कॉमन नहीं है, इट मींस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी वुड बी जीरो, सही है। वेयर एज ऑन द अदर एंड जो हमारे पास एक्सप्रेशन थी इसकी वो ये थी कि ए ए और बी को मल्टीप्लाई होना चाहिए, वो तो है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बी होती है, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी भी होती है, जीरो तो हो ही नहीं सकती, क्या हाल है। सो इट्स ओनली पॉसिबल अगर इनमें से कोई एक चीज जीरो, अदरवाइज तो ये हो ही नहीं सकता। इट्स ऑलवेज ऑलवेज नो, दे आर ऑलवेज डिपेंडेंट, इंडिपेंडेंट नहीं होंगे ये, इंट्यूटिवली लग रहा है लेकिन मैथमेटिकली इट्स ओनली पॉसिबल अगर एक इवेंट हो ही नहीं रहा, ठीक है। देखो ना क्या था, ए इंटरसेक्शन बी वॉज सपोज टू बी इक्वलेंट टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, राइट। सो इन केस ये तो कुछ ना कुछ होगा ना, अगर ए हो रहा है तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए होगी, बी हो रहा है तो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी होगी, तो आंसर तो कुछ ना कुछ निकलेगा, जीरो तो नहीं आ सकता, सिर्फ उस सूरत में आ सकता है कि एक इवेंट हो ही नहीं रहा। सो आइदर ए जीरो और बी जीरो, ओनली देन दिस इज पॉसिबल, अदरवाइज इट्स ऑलवेज 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 नो, ठीक है। इंट्यूटिवली लेकिन कुछ और फीलिंग आ रही थी, ठीक है। सिमिलरली अगर ए और बी जो है वो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है, देन वी कैन राइट डाउन द प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी इज प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, वी हैव बीन डूइंग इट अर्लियर, हमने पहले भी किया, इफ दे आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। और जब हम कहते हैं जी ए एंड बी आर इंडिपेंडेंट, ये दो डिफरेंट चीजें हैं, ए एंड बी आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, दिस इज ट्रू, बट ए एंड बी आर इंडिपेंडेंट, देन दिस इज ट्रू, we talk of intersection, we do not talk of union, दोनों में फर्क है, ठीक है। इसमें union b is a plus b, इसमें intersection b is a multiplied by b, so these are the two things which should be kept in mind। और से अगर हमसे मैं एक और क्वेश्चन करूंगा जी a is a subset of b, then are they independent, b जो है वो larger space है उसके अंदर a हो रहा है, ठीक है। सो आर दे इंडिपेंडेंट, अगेन वी नीड टू सी, ये फॉर इंट्यूटिवली शायद दिमाग में नहीं आएगी, और जो भी थोड़ी देर पहले आपको याद हमने किया था कि जी ओके ये हमारे पास बी वन है, बी टू है, बी थ्री है और बी फोर है, और इसमें से मैंने एक किया लेस देन टू, ये दो ले लिए थे। तो अगर मैं कहूँ जी कि ये इवेंट जो है वो आपके पास बी है और ये जो इवेंट है वो ए है, और आपने थोड़ी देर पहले निकाला था ये रिमेंबर सी निकाली थी ना हमने, कि प्रोबेबिलिटी ऑफ क्या सी और बी, सी और बी, इसको हमने सी डिक्लेयर किया था वहां पे, सी और बी जो है वो इंडिपेंडेंट हैं कि नहीं है, तो क्या जवाब आया था, नो दे वर डिपेंडेंट, ठीक है। बट लेट्स सी यहां पे अब क्या आता है, तो अगेन वी नीड टू सी अप्लाई द एक्सप्रेशन, अगर ए बी का सबसेट है then the question is are they independent, so intersection b is probability of a to probability of b as per the understanding, aur kyunki b a ke andar lie kar raha hai, so can I write down ke this is nothing but probability of a, kya hal hai, aur ab ye right side ke equal us waqt hoga jab b jo hai uski probability 1 ho jaye, aur wo kab hoga jab b jo hai wo कंप्लीट सैंपल स्पेस हो, राइट। सो उस केस के अंदर यस दे आर इंडिपेंडेंट, पिछले केस में जरा इसको रिलेट करें, वहां पे ये चार इवेंट्स ही नहीं थे, वहां आठ इवेंट्स थे, तो सैंपल स्पेस भी थी नहीं, इसलिए आंसर नो आया, आठ में से चार लिए थे आपने, अगर आप आठ के आठ लेते और तब ये कंडीशन अप्लाई करते तो ये केस ट्रू हो जाता, इसलिए दिस इज अ, देयर इज ऑलवेज अ रिलेशनशिप व्हिच वन हैज टू फिगर इट आउट From the expression, ठीक है जावेद, सो रहे हो? Sure? Yes sir, no sir, तो यार ऐसे 10 साल पहले आया करता था, देखा वो कौन करता था? याद? Yes sir, no sir, एक शो आता था।
मेरा ख्याल मुइन अख्तर था और शायद उस तरह कोई एक बुशरा अंसारी थी उसमें। ठीक है जी, सो दिस इज ओके, अंडरस्टैंडेबल, ओके लेट्स मूव फॉरवर्ड। नाउ लेट्स डू अप्लाई और स्केल दिस प्रॉब्लम टू द मल्टीपल इवेंट्स। से वी हैव events A1, A2, A3 till AN, and they are said to be independent if this condition is verified. क्योंकि independence की क्या condition है कि आप उनका intersection ले और वो सारे अगर separate multiply हो जाते हैं, then we call it कि ये सारे के सारे जो है वो independent है, right? Isn't it? कह सकते हैं ना, यही हमारी condition थी ना कि अगर events बहुत सारे हैं, so we take the intersection and if we can separate them out then they are independent to each other. Or in other words, agar se main isme teen event le leta hu like A intersection B intersection C as shown over here, so I'll write it down ki agar ye independent hai to probability of A, probability of B, probability of C jab aapse multiply hoga separate ho jayega. Agar isko main alag alag lege, what I can do just to verify, I can take this A intersection B as an event B, and then we can open it up. और open करके जब आप इसको cancellation शुरू करेंगे इसकी, तो ultimately you will be left with this. क्योंकि हर जगह पे जो slash B आ रहा होगा वो खत्म करेंगे आप. आप कह रहे हैं कि independent है ये. जब वो खत्म होगा तो ultimately चीजें cancel हो जाएंगी. Cancel होके you will get. इसको जरा in your own time just do it. Okay, how you can reach from here by opening up and reaching to this point. ठीक है, आंसर कर लोगे या इसको अगली स्लाइड पे करो? अच्छा, नहीं वो तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, चीज समझ आनी चाहिए बाकी तो आप। अच्छा चले, इसमें इसको मैं कर लूं, यू वांट कि आई शुड डू इट। चलो when n equals to, सभी जो हमारे पास केस था उसमें हम n equals to 3 ले रहे हैं, यानी तीन इवेंट्स तक जा रहे थे ना। इट वॉज प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी एंड इट वुड बी इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ सी। We can do this. Okay, let A intersection B is an event B. So the probability of this thing would become equals to this. So as per the rule, we know that A intersection B, जब आप लेते हैं, तो it is probability of A by B into a probability of B. ऐसे ही है? ऐसे ही है कि नहीं? Similarly, I can write down it would be probability of D given C into probability of C. अब यहाँ पे ये जो चीज है ये बराबर है probability of A intersection B given C के, ऐसे ही है। तो this need to be opened up. इसको खोला जा सकता है कि गो बैक हियर, ये देखें यहाँ पर हमने ये चीज लिख ली है और फर्दर ये जो चीज है वो इसके बराबर है। अच्छा, अब ये बेसिकली
कैन आई राइट इट डाउन लाइक दिस? इफ यू रिमेम्बर हमने क्या किया था कि दिस इज नथिंग बट प्रोबेबिलिटी ऑफ। अच्छा चल पहले मैं आपसे पूछूँ ना, क्या करेंगे इसको आप? एनी सिंप्लीफिकेशन? सी तो आ रही ना यहाँ पे, वो तो चले इसको बाद में लेकर आते हैं सी को। आई एम ट्राइंग टू ओपन दिस थिंग और मैंने अल्टीमेटली जाना किधर? देखो ये इधर जाना, इससे लिंक करें आपके, इधर तक आना है आपने, तो उसमें से ये एक आ गया, बाकी दो आने। अच्छा प्रॉबिलिटी ऑफ ए गिवन बी इनटू प्रॉबिलिटी ऑफ बी, वो अगर आप ऊपर से, अभी तो मैं सिर्फ इसको कर रहा हूं ना, तो दिस थिंग इज इक्वल टू दिस थिंग, सही है? इज इट राइट और रॉन्ग? सी का फैक्टर आना चाहिए, वो कैसे आएगा, कहाँ से आएगा? कहाँ आना चाहिए वो तो क्वेश्चन कर रहा हूँ। अच्छा अभी थोड़ी देर पहले वैसे अगर आपको याद हो हमने एक चीज इस तरह से की थी, शुड आई टेक बैक? Not visible now. In fact, देखिए हम कर क्या रहे हैं, लेट्स डू इट फ्रॉम दी अदर साइड। हमारे पास इनफैक्ट जो इवेंट्स आ रहे हैं वो आ रहे हैं, एक इवेंट आ रहा है A1 के साथ, सेकेंड इवेंट, और हम चाहते हैं कि दिस वुड बी इक्वलेंट टू this thing, and second one is A1 intersection with A3, is in this case is C, that is, and the last one is A2 intersection A3, which is probability of A2 times probability of A3. Let us erase this. हमने स्टार्ट किया था यहाँ से, ठीक है? सो दिस वाज द सिचुएशन।
अच्छा इसमें चलें या बाय पार्ट्स करते हैं। मैं इसमें एक आसान तरीका सोच रहा हूँ। इसमें देखें, वी कम बैक टू दिस पॉइंट, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, दिस इज फाइन। इट वुड बी ए इंटरसेक्शन बी बाय सी इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ सी। यहाँ तक तो आई होप ऑल क्लियर कि ये इधर जब हम पहुंचे थे इस जगह पर आ गए, ठीक है। अच्छा यहीं पर एक बड़ी, बिकॉज वॉट वी आर सेइंग कि जी द इवेंट्स आर इंडिपेंडेंट, ऐसे ही है। तो जब मैं ये यहाँ पर ये एक्सप्रेशन लिखता हूँ इस जगह पे, तो आई कैन सिंपली राइट इट डाउन कि ये चीज इट वुड बी कन्वर्टेड टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इन टू प्रोबेबिलिटी ऑफ सी, बिकॉज आई एम सेइंग कि इट्स नॉट डिपेंडेंट ऑन सी, इंडिपेंडेंस की बात कर रहे हैं ना। तो ये सी यहां से खत्म हो जाएगा, ठीक है। और फिर जब ए यूनियन ए इंटरसेक्शन बी जो आ जाता है, इसको फर्दर सिंप्लीफाई कर सकते हैं हम ए बाय बी इंटू प्रॉपर्टी ऑफ बी। अगेन बी पर डिपेंडेंट नहीं है तो बी खत्म हो जाएगा, तो वी आर लेफ्ट विद प्रॉपर्टी ऑफ ए प्रॉपर्टी ऑफ बी प्रॉपर्टी। ये सिंपल इसकी एक्सप्लेनेशन है, इसमें और कोई साइंस नहीं है, ठीक है। आई रिपीट, हमने कहा था कि जी इवेंट्स ए बी एंड सी आर सेट टू बी इंडिपेंडेंट, ठीक है। जब हम कह रहे हैं स्टार्टिंग पॉइंट की ये इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर है, तो जो ओपनिंग अप जब करेंगे तो जहां जहां पे हमें डिपेंडेंसी नजर आएगी वो खत्म करते जाएंगे, क्योंकि डिपेंडेंट नहीं है वो, दे हैव टू बी। सो अकॉर्डिंगली यहाँ से ये सी खत्म होगा, यहाँ से वो बी खत्म हो जाएगा, तो हमें तीन चीजें नजर आ जाएंगी। और इस तरीके से चाहे इवेंट ज्यादा भी हो, तीन हो, चार हो, पांच हो, जब भी आप इंटरसेक्शन लेंगे सबको मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। लेट्स डू ऑन गो ऑन टू द एग्जांपल, इसकी एग्जांपल क्या है। चलो फिर एक क्विज ले लेते हैं आपसे, जब तक पढ़ा उसमें से जो भी पढ़ा इसमें से ही लूंगा ना, आसान है जो चीज है उसमें से सिंपल सा। क्या कहते हैं, चले थोड़ा सा फिर प्रीमाइस में दे देता हूँ ना अगले क्लास का, चलते अच्छा जी, ओके। सो इनफैक्ट नाउ वी आर ट्राइंग टू अप्लाई दिस व्हाटएवर वी स्टडीड लाइक कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, टोटल प्रोबेबिलिटी बेस्ड थ्योरम टू डिसीजन प्रॉब्लम और डिसीजन थ्योरी व्हिच इज देयर इन द कम्युनिकेशन। सो रिमेंबर व्हेनेवर वी गो फॉर अ डिसीजन देन वी नीड टू हैव सम सेट ऑफ हाइपोथेसिस, मीन्स सम डिसीजंस और सम ऑप्शंस व्हिच यू शुड हैव, कि इनमें से क्या चीज आपने लेनी है, तो वो आप उनको सेट ऑफ हाइपोथेसिस कहते हैं। देन यू कंडक्ट अ टेस्ट एंड बेस्ड ऑन टेस्ट देयर हैज टू बी सम डिसीजन रूल,
एंड दैट डिसीजन रूल इज जनरली फॉलोइंग सम ऑप्टिमैलिटी क्राइटेरियन टू रिड्यूस द चांसेस ऑफ एरर एंड ऑल दीज पैरामीटर्स वाज दे कंबाइन टुगेदर बेस्ड ऑन दिस वी मेक अ डिसीजन राइट. सो बेस थ्योरम इज इन फैक्ट समथिंग लाइक दिस. हमने कहा कि जी बेस थ्योरम जो है वो उसको हम इस तरह लिख सकते हैं ए बाय बी इंटू बी वुड बी बी बाय इंटू ए और बेसिकली इंटरसेक्शन आप इस तरह लिखें या उसको ए कुछ जगह पे ए कॉमा बी करके भी लिखा जाता है. सो अल्टीमेटली वी कैन राइट डाउन दैट प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन बी वुड बी प्रोबेबिलिटी ऑफ बी गिवन ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन प्रोबेबिलिटी ऑफ बी वेयर बी इज समथिंग विच इज डिस्ट्रीब्यूटेड इन द इंटायर स्पेस. रिमेंबर ये ध्यान में रखिएगा वट एवर इज इन द डिनोमिनेटर इज द टोटल टोटल थिंग. वी आर कंसिडरिंग अ फुल सिचुएशन और उसके अंदर जो डिस्ट्रीब्यूशन हमने की हुई है उसके अंदर ये बी वन है ये बी टू है ये बी थ्री है ये बी फोर है अल्टीमेटली ये चीज कंटिन्यू है. और ये बी वन अगर ये पूरा ए था तो बी वन ए में बी वन भी है बी टू भी है बी थ्री भी है और अल्टीमेटली बी एन भी है. तो ये बी जो है ये इस ए के अंदर थोड़ा 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 पार्ट प्ले कर रहा है राइट. सो दिस इज अ जनरल एक्सप्रेशन विच वी कैन राइट डाउन फॉर द बेस थ्योरम. ऐसे ही है ओके ओके. कमिंग ऑन टू द कम्युनिकेशन प्रॉब्लम मैं थोड़ा सा स्ट्रिक्ट प्रिमाइस दूंगा एंड नॉट गोइंग टू द डिटेल. जब हम कम्युनिकेशन की बात करते हैं तो कम्युनिकेशन में वी ट्रांसमिट अ वेव फॉर्म. इफ वी आर हैविंग अ बाइनरी कम्युनिकेशन सिस्टम देन वी आइदर हैव अ जीरो और अ वन. सो वी मे रिप्रेजेंट अ जीरो विद अ वेव फॉर्म ऑफ वन वोल्ट एंड बाइनरी वन विद अ वेव फॉर्म ऑफ माइनस वन वोल्ट बिकॉज वी नीड टू डिफरेंशिएट द टू थिंग्स. जो पुराने जमानों में कम्युनिकेशन होती थी थ्रू दी टॉर्चेज एटसेट्रा वो कैसे होती थी कि टॉर्च को ऑन करें तो एक चीज है बंद करें एक और चीज. तो ये वेव फॉर्म है जो आप ट्रांसमिट कर रहे हैं. या एक और हो सकती थी कि जी जो भाषा क्या कहते थे यार कि एक घोड़ा सवार है उस पर आंसर को भेजूंगा तो ये जो मतलब होगा उस पर अगर मैं आंसर से बिल्कुल मुख्तलिफ आदमी को याद करूँ कौन है जी हाँ ताकि मैचिंग ना हो जाए ना. जुनेद जुनेद भेजूंगा तो एक और मतलब होगा ठीक है. तो द पर्सन हु इज एट द रिसीविंग एंड ही और शी कैन डायरेक्टली डिसाइड व्हाट टू डू बेस्ड ऑन व्हाट एवर ही सीज ही और शी सीज सही है ना. द एम इज के दोनों में इतना डिफरेंस हो कि डिसीजन लेना आसान हो. ऐसा ना हो कि जुनेद जो है वो पेशावर से कराची तक जो है वो बाय रोड जाए छह दिन में पहुंचे और ये भी ऐसा ही हो जाए जैसा कि आंसर है ठीक है. तो ये सारी कंडीशंस देखते हुए वन हैज टू मेक दैट मच डिफरेंस सो दैट द थिंग व्हिच इज रिसीव्ड इज डिफरेंट इन इट्स एंटायरिटी एंड देन द डिसीजन इज इजीयर. अदरवाइज अगर इसमें कोई चांसेस है मिक्सिंग के तो फिर आपके लिए डिसीजन मुश्किल हो जाएगा. सेम इज द केस विद कम्युनिकेशन. व्हेन वी सेंड द वेव फॉर्म्स वी और द डिजाइनर्स मेक दिस they ensure that whatever waveforms they are deciding to transmit those bits, they are entirely different. Because in the channel, there are a lot of interferences, discrepancies, and the meaning may change, or the waveform may change its shape. और अगर वो इतना फर्क उनमें होगा कि उस सारी खराबियों को बर्दाश्त करके वो पहुंच जाए और फिर भी इतनी मुख्तलिफ हो तो डिसीजन लेना आसान राइट. सो दैट इज वाई यहाँ पे जो ये मैंने दो डिफरेंट वेव फॉर्म शो की एंटायर पोलैरिटी बिल्कुल डिफरेंट है. एक अगर पॉजिटिव है दूसरी नेगेटिव है तो इतना बड़ा एरर सिस्टम में नहीं आएगा कि ये जो नेगेटिव वन वोल्ट की वेव फॉर्म है वो चेंज करके वन पे चली जाए ठीक है. अगेन फॉर दिस इफ यू रिमेंबर आई टोल्ड यू कि हमें प्रॉबिलिटी ऑफ नॉइज सिस्टम की चेक करनी पड़ती है. हमें देखना पड़ता है कि एक सिस्टम जिसमें मैं कम्युनिकेशन करने जा रहा हूँ वहाँ पे नॉइज नॉइज मीन ऑल इंटरफेरेंस सिग्नल्स उनकी क्या वैल्यूज है उसकी एवरेज वैल्यू हम डिसाइड करते हैं. बेस्ड ऑन दैट हमें पता है कि अगर मैं एक वेवफॉर्म 1 वोल्ट की भेजूंगा तो मैक्सिमम नॉइज आ सकती है 1 वोल्ट की नेगेटिव 1 वोल्ट की तो उसको जीरो कर देगी इससे ऊपर नहीं. अगर इससे ऊपर है तो फिर देन आई हैव टू डिसाइड नहीं 1 वोल्ट नहीं भेजूंगा मैं 10 वोल्ट भेजूंगा क्योंकि नॉइज है 3 वोल्ट की आती है तो वो इसको 7 पे ले जा सकती है. अगर 1 वोल्ट की भेजता और -3 की नॉइज आती तो वो उसको -2 पे ले जाती बिल्कुल मीनिंग चेंज हो जाती. तो बेस्ड ऑन द अवेलेबिलिटी ऑफ नॉइज जो कि एक्सपेरिमेंट मैंने किया सिस्टम में आपको याद होगा कि हमने पूरा एक नॉइज वाला केस किया था उसमें हमने देखा था कि ये नॉइज के सैंपल्स रिकॉर्ड करके हम उसकी एवरेज वैल्यू निकाल सकते हैं. तो दोज वैल्यूज आर दे आर हेल्पिंग अस टू डिसाइड अबाउट व्हाट वेवफॉर्म्स नाउ वी विल सेंड फॉर द ट्रांसमिशन.
So based on that, say that work is done, and now we decide, okay, we say we send a 1 volt waveform for binary zero, or and minus 1 volt for a binary one. So this is the various waveforms which can be decided. In this case, the transmitter is either sending an S0 or S1. S0 is for binary zero, S1 is for binary one. अगर हम बात करें मल्टीपल कम्युनिकेशन सिस्टम की, मल्टीपल वेव फॉर्म्स जिसको हम एमरी कम्युनिकेशन कहते हैं, तो उस केस के अंदर हमारी जो वेव फॉर्म्स है वो 2 पावर k हो सकती है। वो क्यों हो सकती है 2 पावर k? क्योंकि वी आर सेंडिंग मोर बिट्स इन वन वेव फॉर्म। सो इफ आई डिसाइड कि आई सेंड 2 बिट्स इन वन वेव फॉर्म, देन देयर कुड बी 4 डिफरेंट पॉसिबिलिटीज ऑफ दोज वेव फॉर्म्स। आइदर इट कुड बी बोथ जीरोस, अ 0 1, अ 1 0, और 1 1. So in this case, I have to decide a waveform for 0 0, maybe this waveform, which has to be different than this waveform, then this waveform, and maybe this waveform. ये चारों के चारों waveforms को आपस में मुख्तलिफ होना चाहिए, क्योंकि ये चारों ने ही पहुंचना है receiver पे, और उन चारों receiver ने इसकी शक्ल देख के कुछ mathematical computation करके decide करना है कि ये क्या चीज आई है। 0 0 आया है, 0 1 आया है, 1 0 आया है, 1 1 आया है, right? ये जो सारी चीजें हैं ये खुद ऊंट पे बैठ के नहीं जाती है, बिट्स बिट की मीनिंग जाती है, और उसको देखते हुए रिसीवर डिसाइड करता है कि क्या चीज आया, और अपनी मेमोरी में उसको लिख लेता है ये 0 है या 1 है, राइट। सो अगर आपके पास एक मेमोरी सिस्टम है तो वेवफॉर्म्स बढ़ जाएगी, डिसीजन मुश्किल होता चला जाएगा, राइट। 2 पावर k वेवफॉर्म्स विल बी पॉसिबल इन केस ऑफ मेमोरी कम्युनिकेशन, बट वी टॉक ऑफ बाइनरी फर्स्ट, और बाइनरी अगर समझ आए तो मेमोरी भी हमें कुछ किसी हद तक उसकी अंडरस्टैंडिंग हो जाती है। So now the decision which the receiver has to make is of two hypotheses: either it's a 0 which is received, or it is a 1 which is received. So H0, H1 could be the two hypotheses in this case for a communication system. अच्छा ये slide थोड़ी आगे clutter हो गई है, answer को इसमें मसला होगा। Okay, so now अब देखें यहाँ पर मैं थोड़ा सा भी इसको मैं detail में नहीं जाता, but we just talk of something ताकि next class में मैं थोड़ा सा इसका background हो। हम जब किसी सिस्टम को बनाते हैं तो हम ये करते हैं कि हमें पता होता है ट्रांसमीटर रिसीवर को कि क्या चीज़ भेजी गई है, राइट। से देर इज अ टेस्टिंग सीक्वेंस, ट्रेनिंग सीक्वेंस, यू सेट योर रिसीवर, यू सेंड योर, यू नो योर ट्रांसमीटर, बोथ आर विजिबल, एंड द रिसीवर नोज व्हाट इज बीइंग सेंड फ्रॉम द ट्रांसमीटर साइड। So now you start sending zeros. For example, it's a binary system, आप जीरो भेजते हैं बार बार, ट्रांसमीटर से जीरो जा रहा है, रिसीवर पे एक वेव फॉर्म रिसीव हो रही है, वो वेव फॉर्म जो है वो नहीं है जो कि ट्रांसमीटर ने भेजी थी, उसमें कुछ चेंजेस हो गई हैं बेस्ड ऑन दी चैनल, ऐसा ही है ना। जब सिस्टम से गुजरेगा, जब आंसर जो है वो पेशावर से कराची जाएगा, तो दरमियान में जो चैनल से गुजरेगा वो उसका इफेक्ट इसके ऊपर होगा, जब ये वहां पहुंचेगा कराची तो इसकी शक्ल कुछ और चेंज हो चुकी होगी, एग्जैक्टली सेम नहीं होगा, ठीक है। सो दैट थिंग हैज टू बी केप्ट इन माइंड। अब आपका सिस्टम जीरो भेज रहा है, ट्रांसमीटर से जीरो ट्रांसमिट हो रहा है, रिसीवर कुछ रिसीव कर रहा है, लेकिन उसको ये पता है कि मुझे जीरो भेजा गया है, ठीक है। सो आई कुड से ओके द सेंड थिंग वॉज आइदर एस जीरो और S1, 1 भी तो भेज सकता है ना, बट द थिंग विच इज रिसीव्ड एट द रिसीवर इज नॉट S0 और S1, दैट इज अ Z, समथिंग एल्स, एंड दैट Z इज कंटेनिंग दैट सिग्नल कंपोनेंट विद द नॉइज, ऐसे ही है। सो Z जो है वो एक्सपेरिमेंटल वैल्यू है, जो कि अब व्हाट हैपेंस इन दी ट्रेनिंग सीक्वेंस, आप जीरोस भेजते हैं बार बार, S0 भेजते हैं, और जो रिसीवर है वो Z रिसीव कर रहा होता है। से आपने 1 वोल्ट भेजा, जो 1 वोल्ट भेजा तो वहां पे आपके पास जो Z मिल रहा है वो हो सकता है 1 वोल्ट ही भेज रहे हैं आप, कभी -9.9 मिलेगा, कभी -0.8 मिलेगा, कभी -1.2 मिलेगा, कभी -5 मिलेगा, कभी 0 भी मिलेगा, और अगर 1 भेज रहे हैं कभी 1 मिलेगा, कभी 0.9 मिलेगा, कभी 1.1 मिलेगा, कभी 1.2 मिलेगा, वैल्यूज एग्जैक्ट नहीं होगी लेकिन उसके इर्द गिर्द रोटेट कर रही होंगी, राइट। दोज आर दी Z's फॉर सिग्नल S0, इट वुड बी, देर वुड बी मोर वैल्यूज अराउंड -1, एंड फॉर सिग्नल S1 विच वॉज 1 वोल्ट द वैल्यूज वुड बी मोर अराउंड 1,
1, 1.2, 0.8, 0, और हो सकता है कुछ एरर्स वाले केसेस में वो माइनस की तरफ भी जा रहा हो। सिमिलरली ऑन द अदर साइड पहले वाला केस प्लस साइड पे जा रहा हो, लेकिन मोस्टली वैल्यूज जो है वो उसके इर्द गिर्द घूमनी चाहिए। सो इट मीन्स आई कैन गो एंड सी Z1 एंड Z2, देयर वुड बी Z1 फॉर S1 एंड Z2 फॉर S2, अगर ये दो वेव फॉर्म्स हैं, ठीक है। नाउ वी नो के जी इनिशियल प्रोबेबिलिटीज हमें मालूम है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ S1 एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ S2 फॉर अ बाइनरी सिस्टम दे आर सेम 0.5, आइदर जीरो मिलेगा या वन मिलेगा, ठीक है। लेकिन आई एम इंटरेस्टेड कि नहीं जी, मुझे जो इंटरेस्ट है वो ये कि S1 बेस्ड ऑन Z क्या है, या प्रोबेबिलिटी ऑफ S2 कि मुझे S2 मिला है बेस्ड ऑन जो एक्चुअल वैल्यू रिसीव हुई है, आई जस्ट रिलेटेड से मुझे मिला -0.9, तो क्या प्रोबेबिलिटी है कि ये S0 था या S1 था, बेसिकली वो क्या होगा, वो ये चीज होगी ना, Z1 मिला, मैंने डिसीजन करना है, मैंने मुझे -0.9 मिला, मैंने डिसीजन करना है कि यार ये -1 वोल्ट भेजा गया था या +1 वोल्ट भेजा गया था। तो आई एम इंटरेस्टेड कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ S1 गिवन Z1 और प्रोबेबिलिटी ऑफ S2 गिवन Z1, इन दोनों में इंटरेस्टेड हूं ना मैं। मिला तो Z1 है, मिल चुका है ना, मैंने उसको नोट कर लिया। बेस्ड ऑन दैट नाउ आई एम ट्राइंग टू फिगर आउट कि यार ये S1 है या S2 है, ठीक है। हियर कम्स द डिसीजन, राइट। और अगर आप इसको रिलेट करें तो इसका ताल्लुक किससे बन रहा है, यहाँ कंडीशन आ गई है, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी आ गई है, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी आ गई है, तो इट मींस कुछ टोटल प्रोबेबिलिटी का रोल भी यहाँ पर आ जाएगा, और जब टोटल का आ जाएगा तो बेस थ्योरम का भी आ जाएगा। और बाय द लुक ऑफ इट अगर आप देखें तो हमें S1 और S2 ऑलरेडी पता भी थे, जो कि ए प्रायरी प्रोबेबिलिटीज थी सिस्टम की, उनको हम रिफाइन करना चाह रहे हैं बेस्ड ऑन एक्सपेरिमेंटल डाटा, actual values which we are receiving. So in fact we are going towards the posteriori probabilities, and posteriori probabilities are computed with the help of Bayes theorem. So in fact here we are going to apply that thing and come out with the decision. Ab general rule kya hona chahiye, ye hona chahiye ki agar aapke paas probability of S1 given Z1 zyada aa jaye probability of S2 given Z1 se, to we should give decision in favor of S1 ki S1 mila, और अगर दूसरी वाली ज्यादा आ जाए तो इट मीन्स S2 मिला, राइट। सो रिसीवर विल बी मेड इंटेलिजेंट बेस्ड ऑन कंप्यूटेशन ऑफ मैथमेटिक्स। रिसीवर तो एक मशीन है ना, उसको नहीं पता मैंने, बट बेस्ड ऑन सर्टन फिगर्स सर्टन पैरामीटर्स इट कैन डिसाइड कि क्या चीज मुझे मिल रही है, रिसीव क्या हो रही है, एंड अल्टीमेटली दैट हेल्प्स। सो डिजिटल कम्युनिकेशन में दिस इज द थिंग व्हिच यू डू, बिट्स आर ट्रांसमिटेड by their meanings in form of waveforms. Waveforms are received, they are sampled, and based on sample values, decision is made कि क्या चीज भेजी गई, ठीक है। So we'll see this in detail, inshallah, in the next class. If you have any question, query, you can ask. अच्छा, कोशिश ये क्या करें कि आप इतने बार लेक्चर को देख कर आया करें और उसमें से क्वेश्चन जो है ना स्पेसिफिक अगर करेंगे जी ये प्रॉब्लम इसमें समझनी है, बजाय कि एक चैनल कमेंट पास करे कि सर ये स्लाइड नहीं समझ आई। रैंक पे मैं दोबारा आऊंगा, अभी ये चीज हो जाए रैंक पे आते हैं। रैंक निकालने का तरीका वैसे ही होता है कि आप उसका डिटरमिनेंट निकालते हैं, इफ द डिटरमिनेंट इज नॉन जीरो देन इट इज द रैंक। चलो ये पूछ लिया इसने सवाल, जो कोई बात नहीं। से यू हैव अ मैट्रिक्स ए and its size is 3 by 4, it's a non-square matrix, and you are interested in finding out the rank of A, then you try to figure out the maximum square matrix out of the available matrix. Say it's a 3 by 4, so maximum square matrix kya hoga, iske andar 3 by 3 nikal sakta hai na, so you compute that A for a 3 by 3 matrix, A modulus, and if that comes out to be a non-zero value, then the rank of A is 3, right? और अगर सारे पॉसिबल कॉम्बिनेशन 3 by 3 के आपको जीरो आंसर दे रहे हैं, इट मींस रैंक इज नॉट 3, देन यू गो फॉर 2 by 2, एक्सट्रैक्ट द 2 by 2 मैट्रिक्स, अगेन गो एंड सी दैट मॉडुलस ऑफ 2 by 2, इफ दैट इज नॉट जीरो एनी ऑफ एनी कॉम्बिनेशन, ठीक है।
ठीक है ना, इसके अंदर तो बहुत सारी वैल्यूज होंगी, 1, 2, 3, 0, 1, 0, 1, -1, और ये 3/4 का था मैंने, तो 3 और 4थी रो ही आ गया आपके पास, 1, 2, 4। ठीक है, तो देखो आप कॉम्बिनेशन 2/2, अब से ये से अज्यूम के इसका 3/3 का जो भी कॉम्बिनेशन है, 3/3 ये बनता है, 0 निकला है, फिर ये बनता है, 0 निकला है, फिर ये और ये बनता है, 0 निकला है, सारे कॉम्बिनेशन 0। फिर आपने कहा कि नहीं ये तो इसका मतलब रैंक 3 नहीं है, लेट्स गो फॉर द 2/2, तो ये 2/2 निकाला, नॉन जीरो आ गया, दैट मींस रैंक इज 2, से ये भी 0 आ जाता है। फिर आप एक और कॉम्बिनेशन आप इसको देखें, फिर मे बी इनको देखें, फिर इसको देखें, सारे पॉसिबल कॉम्बिनेशन और भी बन सकते हैं, ये इसको और इसको देखें, इसको और इसको देखें, राइट, एंड इफ द रैंक एनी 2/2 मैट्रिक्स कम्स आउट टू बी नॉन जीरो, द रैंक इज 2। ठीक है, और अगर सारे कॉम्बिनेशन 0 आ रहे हैं एंड गो फॉर 1/1, सिंगल एंट्री अगर कोई इसके अंदर नॉन जीरो है तो रैंक इज 1। तो 1 अगर कोई रैंक 0 सिर्फ उस मैट्रिक्स की होती है जो कंप्लीट 0, इसका रैंक 0 है, अगर इसमें एक एंट्री भी नॉन जीरो आ गई तो इसका रैंक 1 हो जाएगा। लेकिन ये मुश्किल तरीका है, ऑल्दो ये आसान है लेकिन इसकी कंप्यूटेशन इतनी ईजी नहीं है, आपको कॉम्बिनेशन बनाने पड़ते हैं। तो बेटर वे इज टू गो फॉर द गॉस जॉर्डन एलिमिनेशन, वो हम देखेंगे उसमें कि कैसे निकालते हैं। इनफैक्ट वी गो फॉर द ए एक्स इक्वल्स टू डब्ल्यू एंड वी गो एंड कंप्यूट द ए विद द हेल्प ऑफ ए कंबाइंड विद बी एंड देन वी अप्लाई द गॉस जॉर्डन एलिमिनेशन एंड कंप्यूट द नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज एंड कॉलम्स, दैट इज द इजियर वे, वहां पे इस तरह के इश्यूज नहीं आते। आपका सवाल का जवाब आ गया, इस पे आएंगे हम दोबारा, ठीक है। वंस वी गो टुवर्ड्स द आइगन वेक्टर्स में जब आएंगे ना, इनफैक्ट कंट्रोल थ्योरी के जब मैथमेटिक्स सीखेंगे हम जाके, कंट्रोल इंजीनियरिंग, तो वहां पे हम आइगन वेक्टर्स निकालते हैं, आइगन वैल्यूज निकालते हैं, उधर ये चीज अप्लाई होती है ड्राइंग में, वी अगेन रिविजिट इट।